में और इस मुकाबले को लेकर हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है, भारतीय टीम मेजबानी करती हुई ऑस्ट्रेलिया भारत आ चुकी है, उस श्रृंखला का लगातार कवरेज आपको, पूरे टेस्ट मैचेस के एक एक दिन का कवरेज, सीधा विवरण हम लेकर हाजिर रहेंगे इस एक चैनल से, इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रिकेट से भरा हुआ है पूरा सीजन और लगातार आपको कमेंट्री मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको, अगर आप भूल जाएं तो आपको सूचना पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि कब कमेंट्री है। राजदीप सिंह, परिस्थितियां कैसी भी हो भारत जीत जाएगा, कहते हैं। जनमत फातिमा, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया धमाल सीरीज होगी। जी बिल्कुल, आई एम लिसनिंग टू यू फ्रॉम बस्तोई। पुनी शर्मा काफी दुखी हैं इस प्रदर्शन से, एकदम जबरदस्त कमेंट्री, कहते हैं मंजूर खान। भास्कर पोटे, इंडिया शुड स्कोर 140 मिनिमम। एब्सोल्युटली भास्कर भाई, इतना तो करना ही होगा। अभी से लाइव देख रहा हूं कंपटीशन, ललित दास कहते हैं। अरविंद राजभर सर, बताएं मैं कहां से हूं। अरविंद जी आप आजमगढ़ से हैं, और बताइए। जय बाबा बर्फानी जी हैं हमारे साथ, बुलबुल हुसैन है, पूर्णिमा सिंह है, अब्दुल रहमान शेख है और अमजद खान है, बशारत अली हैं हमारे साथ, खूबसूरत कमेंट्री, परवेज अहमद कश्मीर पुलवामा से सुन रहे हैं हमारे साथ हैं, और ललित दास भी हैं हमारे साथ, सलमान अंसारी हैं मोतिहारी से, और बुलबुल हुसैन भी हैं। तमाम दोस्तों से एक बार फिर से गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नदीम बाबर भी हैं, कहते हैं 100 रन ही बन पाएगा। नीतीश यादव, आपका नाम क्या है। मेरा नाम आसिम जयराजपुरी है जी। सुरेंद्र शेखावत, प्रीति पॉल 135 बनेगा, और इस वक्त सुनेलूस जो कि कप्तान हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, आ गई हैं गेंदबाजी करने के लिए। 11वें ओवर की शुरुआत करेंगी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फ्लाइट डिलीवरी, ड्राइव कर दिया मिड विकेट की तरफ एक रन के लिए। 11वां ओवर चल रहा है, 44 दो विकेटों के नुकसान पर भारत का स्कोर। हरलीन देओल 16 रन बनाकर, हरमनप्रीत कौर 15 रन बनाकर बैटिंग करते हुए, एक पार्टनरशिप जरूर इन दोनों के बीच में पनप उठी है, पनप रही है, एक पार्टनरशिप जवान होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, बढ़िया ड्राइव, लेकिन स्वीपर कवर की जो पोजीशन है जहां पर फील्डर है, सीधा वहीं पर गेंद पहुंची है और एक रन लेने का मौका। 25 रन जोड़ दिए हैं इस पार्टनरशिप ने और तेजी से जोड़े हैं मात्र 3.3 ओवर्स में। लूस एक बार फिर से राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज, पैड्स में आते हुए फुल टॉस, इस गेंद को लेकर घूम गई हरलीन देओल, लेकिन सीधा लॉन्ग लेग पर खड़ी फील्डर के पास गेंद पहुंचती हुई, एक रन लेने का मौका। गैप नहीं निकाल पाई हरलीन जो कि 17 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं, और हरमनप्रीत 16 रन बनाकर बैटिंग करती हुई। इस बीच कदमों का इस्तेमाल और गेंद को कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन तक गेंद पहुंची, गेंद हवा में भी थी लेकिन एक टप्पे के बाद फील्डर तक पहुंची, कोई रन नहीं मिलेगा। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, कप्तान ने देखा कप्तान को गेंदबाजी करते हुए, तो सोचा कि उनके सर के ऊपर से एक बड़ा हिट लगाया जाए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलते हुए। इस बीच बैकफुट पर आकर इस बार पैड्स में गेंद टकराई, LBW की अपील, लेकिन अंपायर अपनी जगह से फौरन हट गए, और अंपायर ने क्या यहां पर बल्ले से रन दिया है। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी, टॉप स्पिनर पर टप्पा खाने के बाद तेजी से ऑफ स्टंप की लाइन में अंदर की तरफ आई। अंतिम गेंद इस बार फ्रंट फुट पर आकर हरलीन ने इस गेंद को कवर्स में खेला और बहुत तेजी से एक रन चुरा लिया, बहुत ही तेज दौड़ लगाई और एक रन मिलता हुआ ओवर समाप्त होगा इस सिंगल की मदद से। 11 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 48 दो विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं इकबाल स्पोर्ट्स। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम्स के बीच ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। कॉमेंट्री अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ लगातार इस मुकाबले में। भारत और दक्षिण अफ्रीका इस ट्राइंगुलर श्रृंखला में जब खेल रहे थे तो जो तीसरी टीम थी वो वेस्टइंडीज की थी। वेस्टइंडीज की टीम एक तरह से ऐसी टीम थी जिस पर सभी, दोनों ही टीमों ने हाथ साफ किए और काफी बिलो एवरेज, बिलो पार परफॉर्म किया वेस्टइंडीज ने इस ट्राइंगुलर सीरीज में, जो
समा बंधना था, जो मजा आना था, जो रोमांच पैदा होना था, जो लड़ाई होनी थी, वो लड़ाई देखने में नहीं आई। इस वक्त 12वें ओवर की शुरुआत होने को है और माइक पर आ रहे हैं मोहम्मद इकबाल। शुक्रिया आसिम। तो इस वक्त 12वें ओवर की शुरुआत होगी और भारतीय टीम के तमाम जो फील्ड जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं 2-3 वो मैदान पर पहुंच रही हैं और कुछ समस्या वहां पर नजर आ रही है कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधे में, और फिजियो भी हालांकि मैदान पर हैं और देखना ये होगा कि किस प्रकार से मैदान पर उपचार चलता है पहले हरमनप्रीत कौर का और इसके बाद मुकाबला शुरू हो पाता है। फिलहाल 48 दो विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर है 11 ओवरों के बाद। भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और भारतीय टीम इस वक्त 48 रन बना चुकी है दो विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। और अब फिजियो मैदान से बाहर जा चुकी हैं और अब वहां पर खेल पुनः शुरू होने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच में ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ ईस्ट लंदन में, बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में ये मुकाबला चल रहा है। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रही हैं ट्रायन और सामना करेंगी पहली गेंद का बल्लेबाज हरलीन देओल। हरलीन देओल इस वक्त बल्लेबाजी कर रही हैं 18 रन बना करके 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 2 चौके अपनी पारी में लगाए हैं हरलीन देओल ने। और वहीं हरमनप्रीत कौर ने 17 रन बनाए हैं 13 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया है और उनके बल्ले से भी 2 चौके निकले हैं। ट्रायन की पहली गेंद लेग स्टंप के ऊपर और इस गेंद को हवा में ऑन साइड में खेला था लेकिन गेंदबाज ने अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर की लेकिन उनसे पहुंच से काफी बाहर थी गेंद और ऐसे में काफी दूर गेंद जाकर के टप्पा खाती हुई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकाला मिड ऑफ की दिशा में लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं बल्लेबाज हरलीन देओल के पास। हरलीन देओल 18 पर सामना कर रही हैं। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को स्वीप किया ऑन साइड में, स्लॉग स्वीप, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की ओर, वहां पर फील्डर ने गेंद को उठाया, एक ही रन लेने का मौका, बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। और आज दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम की जो ऊर्जा है वो देखते ही बन रही है, काफी ऊर्जा से भरपूर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद और इस बार इस गेंद पर कोई रन नहीं, हरमनप्रीत कौर ने इस गेंद को कट किया जरूर लेकिन सीधे गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के पास और स्कोर भारत का 49 दो विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर पारी का चल रहा है इस वक्त, ट्रायन गेंदबाजी कर रही है दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अगली गेंद और इस बार इस गेंद को गैप में खेलने में कामयाब हुई हरमनप्रीत कौर, सिंगल मिल गया और इसके साथ ही भारत के 50 रन पूरे होते हुए दो विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर हटते हुए इस गेंद को निकाला था हरमनप्रीत कौर ने वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में और सिंगल के साथ भारत का स्कोर 50 रन दो विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और इस बार दिशा से भटक गई गेंदबाज, बहुत ही खराब डिलीवरी, विकेट कीपर से भी गेंद रुकी नहीं और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए, वाइड प्लस 4, 5 रन भारत के खाते में जुड़ते हुए और इन 5 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 55 रन दो विकेट के नुकसान पर। खराब गेंदबाजी, गेंद थोड़ी नीची भी रह गई इस बार और ऐसे में वहां पर विकेट कीपर को भी ज्यादा दोषी नहीं माना जा सकता, गेंद उठी नहीं टप्पा खाने के बाद। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस बार इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेला बल्लेबाज ने, गैप में गेंद नहीं निकल पाई हरलीन देओल, दरअसल कप्तान के बल्ले से ये एक आक्रामक शॉट तो जरूर था लेकिन गेंद सीधे गई है मिड ऑफ के फील्डर के पास, कोई रन नहीं और इसके साथ ही ओवर समाप्त हो गया यहां पर 12 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद। स्कोर है भारतीय महिला टीम का 55 रन दो विकेट के नुकसान पर। हरलीन देओल 19 पर, 18 पर बल्लेबाजी कर रही हैं हरमनप्रीत कौर और ट्रायन ने ये अपना दूसरा ओवर मुकम्मल किया, 15 रन खर्च किए हैं उन्होंने और उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल इकबाल स्पोर्ट्स पर। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम आग्रह करेंगे कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब का बटन जब दबाएं तो आप बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते रहिए। दोस्तों आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहा है इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पहली गेंद नए ओवर की, सिंगल मिला मिड विकेट पर और इस सिंगल के साथ भारत 56 दो विकेट के नुकसान पर। हरलीन देओल
इस तरह से अब स्ट्राइक पर आ गई हैं। 19 पर हरमनप्रीत कौर पिछली गेंद पर सिंगल की मदद से, सुनील उसकी अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ऋषिपाल ग्रोवर जी हमारे साथ हैं, मोहन गौतम जी हमारे साथ, नितिन भगवान जी हैं, जगदीश हमारे साथ, शैलेश चौहान जी हैं, अलनूर जी हमारे साथ, मार्मिक पराशर इस ओवर के अगली गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अंतिम समय पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद को बाउंड्री रोप से टकराने से रोक लिया संभवतः वहां पर दक्षिण अफ्रीका की फील्डर ने, और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को 2 रन मिले हैं। लेकिन बाउंड्री चेक जरूर की जाएगी कि क्या वहां पर गेंद बाउंड्री रोप से टकरा गई थी, लेकिन लगता नहीं है कि गेंद बाउंड्री लाइन से टकराई है, और ऐसे में सिर्फ 2 रन भारतीय टीम के खाते में। हरलीन देओल इन 2 रनों के साथ 21 पर, भारत 58 दो विकेट के नुकसान पर, और इस तरह से एक बार फिर से सुनील उस तैयार होती हुई दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद की लंबाई कम कर दी इस बार सुनील उस ने, गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज हरलीन देओल ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं, और इस तरह से स्कोर अभी भी 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर है। 13वां ओवर पारी का चल रहा है, टॉस जीता भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एक बार फिर से प्लेसमेंट सही नहीं, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची, फिर से कोई रन बनाने का मौका नहीं, और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ 13वां। 13 ओवरों के बाद भारत 58 दो विकेट के नुकसान पर, हरलीन देओल 19 पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद, बल्कि हरलीन देओल 21 पर 36 गेंदों का सामना करने के बाद, और हरमनप्रीत कौर 19 पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद, आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत अभिनंदन। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। अल्पेश गोहिल कह रहे हैं सब्सक्राइब कैसे करें सर, ये बता दीजिए। ओके, तो ये सवाल कई बार जो है आता है कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो मैसेज वाला बॉक्स चल रहा है जहां पर आप मैसेज टाइप करते हैं, उस मैसेज बॉक्स के राइट साइड में ऊपर में देखिए क्रॉस का चिन्ह बना होगा, कट का चिन्ह लगा होगा, वो कट हटाइए और इसके बाद हमारा चैनल का नाम दिखेगा इकबाल स्पोर्ट्स, उनके बगल में देखिएगा तो वहां पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो गया, आप हमारे और हम आपके हो गए। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद सिंगल मिलता हुआ, और सिंगल के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर, दरअसल 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह 14वां ओवर चल रहा है, 4.48 रन प्रति ओवर भारत ने रन बनाए हैं। हरलीन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्वीप करने की कोशिश, पैड में टकराई गेंद, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया भारत के लिए। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बढ़िया साझेदारी जरूर कर ली है, लेकिन यह भी देखना होगा कि जो ओवर्स बचे हुए हैं अब यहां से 6.4 ओवर्स की गेंदबाजी आना बाकी है, 40 गेंदें आनी बाकी। इस बीच कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव किया लेकिन सीधा फील्डर के पास, और ओवर थ्रो के रूप में 1 रन जरूर मिल गया। हरलीन देओल पहुंच गई स्ट्राइक एंड पर, दौड़ लगाई थी तेजी से और ऐसे में मिस फील्डिंग का फायदा उठाया 61 दो विकेटों के नुकसान पर। 13.3 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर, बफलो पार्क पर ये मुकाबला खेला जा रहा है, ये फाइनल मुकाबला है, निर्णायक मुकाबला, कौन जीतेगा ट्रॉफी। इस बार फिर से पैड में और तेज स्वीप शॉट खेला हरलीन देओल ने, लेकिन पीछे शबनम इस्माइल की रफ्तार गेंद को रोकने में कामयाब, तेजी से दौड़ती हुई आई और बाउंड्री के ठीक अंदर गेंद को रोका, रन पूरा कर लिया बल्लेबाज हरलीन देओल ने। अब इस वक्त जो बल्लेबाजी है, भारतीय बल्लेबाज आक्रामक शैली की क्रिकेट खेलने की कोशिश में। अगली गेंद, हरमनप्रीत कौर गेंद को कट करने की कोशिश, बीट हुई और गेंद चली गई विकेटकीपर के दस्ताने में। 62 दो विकेटों के नुकसान पर 13.5 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद, इस ओवर से मात्र अभी तक सिर्फ 4 रन आए हैं 5 गेंदों पर। मलाबा फ्लाइटेड डिलीवरी एक बार फिर से फंसा लिया इस गेंद पर, सीधा गेंदबाज की ही तरफ खेल बैठी हरमनप्रीत कौर। 14 ओवर्स के बाद भारत 62 दो विकेटों के नुकसान पर एक सम्मानजनक टोटल की तरफ बढ़ने की कोशिश, संघर्ष जारी है बफेलो पार्क के इस मैदान पर, बहुत ही खूबसूरत मैदान। और इस वक्त दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज निश्चित तौर पर अगर उनके आंकड़े देखें तो नहायत ही शानदार आंकड़े नजर आते हैं। इस्माइल के 2 ओवर्स दोनों ही मिडन थे, मलाबा ने 4 ओवर्स किए, सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की,
दो ओवर्स में खाका ने भी सिर्फ 9 रन दिए, डी क्लर्क ने दो ओवर्स में 12, ट्रायन ने दो ओवर्स में 15, लूस ने जो कि कप्तान है दो ओवर्स में मात्र 8 रन। अगले ओवर की शुरुआत, कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, दो रन लेने का मौका। दो रनों की मदद से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 64, दो विकेटों के नुकसान पर। 15वां ओवर शुरू किया है लूस ने जो कि स्पिन गेंदबाज हैं और इस वक्त दक्षिण अफ्रीकी कप्तान, गेंदबाजी करती हुई सामने हरलीन देओल, 25 रन बनाकर बैटिंग करती हुई। ये गेंद बैकफुट पर गई, काफी ज्यादा टर्न ऑफ स्टंप के बाहर, कवर्स में खेला, एक रन लेने का मौका। भारतीय बल्लेबाज लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मैदान पर गैप ढूंढा जाए, बाउंड्रीज निकाली जाए। बाउंड्रीज की बहुत जरूरत है भारत को अगर एक बढ़िया स्कोर बनाना है, अगर लड़ाई लड़नी है इस फाइनल मुकाबले में। श्रृंखला में लगातार बहुत उम्दा बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है भारत ने और आज फाइनल मुकाबले में थोड़ा संघर्ष करती हुई लेग स्टंप की लाइन, इस गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन साइड में, एक रन के लिए हरमनप्रीत कौर ने। कौर 21 गेंदों में 21 रन बनाकर, 40 गेंदों पर 26 रन बनाकर हरलीन देओल खेल रही हैं। अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। स्ट्राइक पर हैं हरलीन, इस बार कवर्स में खेला एक रन के लिए और तेजी से रन पूरा कर लिया। ओवर थ्रो के रूप में दूसरे रन की भी दौड़ लगा ली है, खराब फील्डिंग और दो रन मिलते हुए, इन दो रनों की मदद से स्कोर 68, दो विकेटों के नुकसान पर। 14.4 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद देओल 28 पर पहुंची। लूस इस ओवर से अभी तक 6 रन दे चुकी हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से, इस गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ, एक रन। फील्ड को पूरा फैला दिया गया है और इस वक्त भारतीय बल्लेबाज गैप निकालने में असमर्थ नजर आते हुए। 15वां ओवर, अंतिम गेंद, लूस राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज, सामने कप्तान हरमनप्रीत कौर। यह गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल और स्टंप हो गई। हरमनप्रीत कौर छक्का मारने के प्रयास में दो कदम आगे निकल आई और एक और स्टंपिंग इस मुकाबले में। अभी तक 3 विकेटें गई हैं, 2 स्टंपिंग के रूप में, 1 बोल्ड के रूप में और 15 ओवर्स की समाप्ति हुई। हरमनप्रीत कौर का विकेट गया, भारत 69, 3 विकेटों के नुकसान पर। हरमनप्रीत कौर 21 रन बनाकर 22 गेंदों में आउट होती हुई। भारत एक बार फिर से दबाव का सामना करता हुआ। लूस कप्तान दक्षिण अफ्रीकी टीम भारतीय कप्तान का विकेट हासिल करने में सफल होती हुई और अब आ गई हैं दीप्ति शर्मा, भारत की ऑलराउंड क्रिकेटर दीप्ति शर्मा जो कि पावर प्ले के ओवर्स भी करती हैं, गेंदबाजी करते हुए काफी चालाक गेंदबाज हैं और बाएं हाथ की बहुत ही थिंकिंग क्रिकेटर हैं, एक ऐसी बल्लेबाज जो बढ़िया गैप ढूंढने में लगातार सफलता पाती रही हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। आज एक बार फिर से अंतिम 5 ओवर्स की गेंदबाजी, 30 गेंदों पर भारत को कम से कम 40 से 50 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में 110-120 रन करने हैं। दक्षिण अफ्रीका इस टूर्नामेंट में भारत से पिछड़ता नजर आया लेकिन फाइनल मुकाबले में क्या जबरदस्त गेंदबाजी से भारतीय टीम को पूरी तरह से बांध दिया है। और दीप्ति शर्मा के आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर, 86 मुकाबले 898 रन दीप्ति शर्मा के खाते में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को ऑन साइड में खेला हरलीन ने, एक रन के लिए। जरूर हरलीन देओल 30 रन बनाकर बैटिंग कर रही है लेकिन 43 गेंदों का सामना किया है और दीप्ति शर्मा इस वक्त बिल्कुल देसी अंदाज में, उन्होंने पिच के एक कोने से धूल उठाई, देखा कि हवा किधर से किधर की चल रही है और हवा का रुख कहां मोड़ना है और गेंदबाजी में आ गई हैं ट्रायन, गेंदबाजी कर रही हैं और माइक पर इकबाल। शुक्रिया आसिम। इस वक्त ट्रायन गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रही हैं और सामना करेंगी अब दीप्ति शर्मा जो कि शून्य पर है, अभी अभी आई है बल्लेबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ से बल्कि बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अगली गेंद और इस बार इस गेंद को पुल किया, गेंद जा रही है वाइड डिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ एक रन मिलेगा दीप्ति को और इस एक रन की मदद से दीप्ति शर्मा का खाता खुलता हुआ और भारत 71, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत जल्द अब भारत को अपना गियर बदलना होगा इस फाइनल मुकाबले में। अगर भारत एक बड़ा स्कोर बनाना चाहता है तो फिर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को
थोड़ा सा परेशान करने की आवश्यकता है। ओवर्स ज्यादा बचे नहीं है, इस ओवर के बाद चार ओवर बचेंगे। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर हटते हुए कट किया, लेकिन गेंद जा रही है स्वीपर कवर पर खड़े फील्डर के पास। सिर्फ एक रन मिलेगा हरलीन देओल को और इस एक रन की मदद से हरलीन पहुंच गए हैं 31 की रन संख्या पर और भारत का स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार 4.48 की चल रही है, जो कि माफ कीजिएगा, रनों की रफ्तार 4.86 की चलती हुई इस ओवर की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर हटते हुए खेल दिया ऑन साइड में। गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, सिर्फ एक रन मिलेगा और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंडिया विमेंस का 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इकबाल स्पोर्ट्स पर। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगली गेंद और इस बार बैकफुट पर हटते हुए इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए निकाला, लेकिन लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन मिलेगा। आज जहां जहां भारतीय महिला टीम के बल्लेबाजों ने शॉट्स खेले हैं वहां वहां फील्डर नजर आए हैं और ऐसे में भारत को रन बहुत ज्यादा मिलते हुए नजर नहीं आते हुए। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार दीप्ति ने बैकफुट पर हटते हुए इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा सॉफ्ट हैंड से। गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, एक रन पूरा किया, थोड़ी फंबल, क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगी? जी नहीं, एक रन से ही संतोष किया और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ 16वां और 16 ओवरों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 75 3 विकेट के नुकसान पर। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल इकबाल स्पोर्ट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब का बटन जब दबाएं तो बेल आइकन जो घंटी का चित्र है उसको भी जरूर दबाइएगा और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा। आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहा है, काफ़ी छोटा सफ़र है हमारा, काफ़ी कम दिन हुए हैं इस चैनल को बनाए हुए और आपने बहुत सारा प्यार लुटाया है हम लोगों के ऊपर, इसके लिए हम दिल से तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। नए ओवर की शुरुआत हो रही है और इस वक्त प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर 100 से नीचे का नजर आ रहा है, जिस हिसाब से भारत रन बना रहा है इस वक्त 6 रन प्रति ओवर बनेंगे तब भी भारत 99 तक पहुंचेगा। बहुत खस्ता हालत भारतीय टीम की। सुनील उस एक नए ओवर के साथ पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव किया दीप्ति ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं और ये सिंगल्स जो है भारतीय टीम को बहुत ज्यादा भला होने देंगे नहीं और ऐसे में भारत को चाहिए कि को थोड़ा लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करें, रनों की रफ्तार को बढ़ाएं, तभी जाकर के कुछ फायदा हो सकता है भारतीय टीम का। वरना जिस हिसाब से यहां पर रन बन रहे हैं उस हिसाब से अगर रन बने तो फिर बहुत मुश्किल होगा इस मुकाबले को बचा पाना। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ तैयार सुनील उस और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया धीमी गेंद पर, लेकिन कुछ नहीं कर पाई हरलीन देओल, रफ्तार बहुत कम कर दी थी सुनील उस ने और विवश होकर के इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेलना पड़ा, रन कोई नहीं। स्कोर अभी भी 76 3 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइटेड गेंद, फुल टॉस बनाया, स्वीप किया इस गेंद को, लेकिन डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, एक बार फिर से सिर्फ सिंगल मिलता हुआ भारतीय टीम को। इस सिंगल के साथ भारत 77 3 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर पारी का चल रहा है, हरलीन देओल 33 पर, लेकिन 47 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। काफी धीमी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है हरलीन ने। इस ओवर की अगली गेंद सुनील उस की और इस बार सीधे बल्ले से फुल टॉस बनाकर इस गेंद को उछाला, लेकिन लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दोनों खिलाड़ी पहुंच गए वहां और एक मर्तबा फिर सिर्फ सिंगल मिलता हुआ दीप्ति शर्मा को। इस सिंगल के साथ दीप्ति शर्मा 5 पर पहुंची और भारत का स्कोर अब 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लगातार यहां पर दबाव भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ, फिर से कदमों का इस्तेमाल, चतुराई के साथ गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर फेंक दी और बल्ला किसी तरह से लगा पाने में कामयाब हुई हरलीन देओल, लेकिन गेंद प्लेस नहीं कर पाई, सीधे गेंद पहुंची कवर के फील्डर के पास और एक और डॉट डिलीवरी। अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप की गेंद को स्वीप किया है ऑन साइड में लॉन्ग लेग की दिशा में और इस बार भेदने में कामयाब हो गई हरलीन देओल और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक अरसे के बाद भारत की पारी में कोई चौका लगता हुआ और इस चौके के साथ भारत का स्कोर अब 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त हो गया है यहां पर सुनील उस का। 4 ओवर का कोटा पूरा हुआ कप्तान लुस का और इस तरह से 4 ओवरों में उन्होंने 22 रन खर्च किए हैं और एक सफलता प्राप्त की है। 3 ओवर का खेल बचता है यहां पर भारत की पारी में, लेकिन इन 3 में से 2 ओवर
शबनम इस्माइल के हैं जो कि बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करती हैं। हालांकि कप्तान ने इस वक्त शबनम इस्माइल को गेंद न देकर के ट्रायन को गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाया है और स्पिनर्स आज खासा गेंदबाजी कराना चाहती हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार होती हुई वहां पर गेंदबाज सामना करेंगी दीप्ति शर्मा। 5 रन बना करके दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी करती हुई अगली गेंद, नए ओवर की पहली गेंद को स्वीप किया, गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में, तेजी के साथ सिंगल पूरा किया, बढ़िया रनिंग, और इस सिंगल के साथ भारत 83 3 विकेट के नुकसान पर। आप सभी दोस्तों से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इकबाल स्पोर्ट्स हमारे इस चैनल को अपना बना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जब सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब जब हम मुकाबले लाइव लेकर आपके लिए आए। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, इधर गेंद विकेट कीपर से रुकी भी नहीं है, 1 रन बाई का भी दौड़ लिया तो 2 रन भारत के खाते में, और इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 86 रन 87 रन जी हाँ 85 रन भारत का स्कोर इस वक्त है 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस गेंद को ऑन साइड में खेल लिया, 1 रन लिया इस बार, अब जाकर के भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 86 3 विकेटों के नुकसान पर 17.2 ओवर के बाद। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त भारतीय बल्लेबाजी कहीं से भी कोई बूंद मिले रन की तो उसे बटोरने की कोशिश, 18वां ओवर चल रहा है, 86 बन चुके हैं अभी भी इस मुकाबले में, 16 गेंदें आनी बाकी हैं। यकीनन बहुत प्रेम बहुत प्यार मिलता हुआ आप तमाम श्रोताओं का, और चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे ताकि वो जो आंकड़ा है हमारा 76 से 77 78 80,000 का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ना टारगेट हमने बहुत बड़ा, हम ये नहीं कह रहे कि आज 1 लाख का लक्ष्य है, सिर्फ 80,000 का लक्ष्य है दोस्तों, और 78,000 होने वाले हैं तो थोड़ी सी दिलदारी दिखाइए, थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए, और एक सिंगल तो मिला है, जूते भी बांधे जा रहे हैं, ट्रायन ने एक बार फिर से फीते जो हैं कसे हैं बल्लेबाज के, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, स्क्वीप करने की कोशिश, एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, डाइव लगा कर गेंद को रोका गया और दौड़कर बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। भारत के लिए जहां से भी रन आ रहे हैं यकीनन भारतीय बल्लेबाज मौका नहीं छोड़ रहे हैं, बाउंड्रीज भले नहीं आ रही हैं लेकिन इस ओवर में वाइड्स की तादाद ने जरूर भारत को थोड़ी सी मदद की है। 83 3 विकेटों के नुकसान पर अगली गेंद, बैकफुट पर गई, पैड पे दी गेंद, पुल कर दिया लॉन्ग लेग की तरफ, 1 रन मिलेगा, शबनम वहां पर गेंद को फील्ड करती हुई, और यकीनन थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग था कि 2 ओवर्स जिस गेंदबाज ने मेडन किए, खेलने नहीं दिया, बैट पर लेने नहीं दिया गेंद को, उसके 2 ओवर्स नहीं कराए गए बाकी, 1 ओवर हो सकता है कि शबनम करें 19वां या 20वां। ट्रायन अगली गेंद के साथ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खेल दिया, गैप में निकाला दीप्ति शर्मा ने लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलता हुआ, 1-1 रन भारत के लिए जमा होते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी होती हुई निश्चित तौर पर, प्रदीप कुमार का एक बड़ा सा कॉमेंट है, जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन मिलता हुआ, 18 ओवर्स के बाद भारत ने 92 रन बना लिए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। रनों की रफ्तार में थोड़ी सी तेजी, 5.11 रन प्रति ओवर, अंतिम 12 गेंदें आना बाकी, भारत कहां तक पहुंचेगा? प्रदीप कुमार कहते हैं बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, हमें भी इंसल्ट होती है कि क्या मुझे चैनल पर जिस पर स्कोर बोर्ड मिलता है वो इतना अच्छा हुआ है, वहां पर मिस्टेक्स होती हैं, ओके आप लोगों की कमेंट्री में मजा आता है, तो प्रदीप कुमार जी ने बड़ी भूमिका बनाई। अजमल खान है, प्लीज माय नेम ले लीजिए जी बिल्कुल, और यहां पर बिरादरम सियोल हैं, आप कमेंट भी बहुत अच्छे करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। फिरोज खान वेरी गुड, और रॉकी शर्मा कहते हैं कि भारत 106 बनाएगा। हनुमान मंसूरिया भी हैं, अगले ओवर की शुरुआत और शबनम की वापसी हो गई है, दाएं हाथ की तेज गेंदबाज, 2 ओवर्स दोनों ही मेडन, कोई रन नहीं दिया है, और एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आ चुकी है शबनम इस्माइल, दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगी, और शबनम, हम भारतीय उन्हें शबनम कहते हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनका नाम शबनम है, NIM है, शबनम इस्माइल दाएं हाथ की तेज गेंदबाज, तैयार होती हुई गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद के करने से पहले अपने फील्डर्स को
एक बार पोजीशन समझाती हुई, 33 साल की उम्र लेकिन रफ्तार बहुत तेज, दौड़ना शुरू करती हुई सामने हरलीन देओल चली, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई, एक और वाइड। पिछले तीन ओवर्स में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने अतिरिक्त रन काफी दे दिए और भारत का जो स्कोरिंग रेट है उसमें जरूर इजाफा हो गया है। आज 11 वाइड्स दे दी हैं अभी तक दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने, 14 अतिरिक्त रन दिए हैं गेंदबाजी करते हुए। शबनम एक बार फिर से तैयार होती हुई गेंदबाजी करने के लिए, कोई स्लिप नहीं है, थर्ड मैन को 30 गज के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है। पॉइंट पर एक फील्डर मौजूद है, कवर एक्स्ट्रा कवर फील्डर तैनात, पीछे लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर थोड़ा सा स्क्वायरिश खड़ा किया गया है अगर लंबा हिट लगाती हैं बल्लेबाज। चली ओवर की पहली गेंद लेकर एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी गेंद, बैक फुट पर जाकर कट किया, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया लेकिन दौड़कर एक रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। भारत 94 विकेटों के नुकसान पर 18.1 ओवर के बाद इस्माइल का ये अंतिम, बल्कि तीसरा ओवर है और इस इनिंग का 19वां ओवर चल रहा है। राजकोट गुजरात से हमारे साथ काजल हैं, मुझे आपकी कमेंट्री अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया काजल। करण सिंह है, वेरी नाइस कमेंट्री, जय भीम इंडिया 110 बनाएगा कहते हैं शंकर राम। दोस्तों एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल इकबाल स्पोर्ट्स और जुड़ जाइए हमारे साथ कॉमेंट्री में। शबनम एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद के साथ दौड़ना शुरू करती हुई और विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और बल्ले के ऊपर से गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में, रफ्तार से मात दे दी है, छका दिया बल्लेबाज को। दीप्ति शर्मा एक बार फिर से रफ्तार से बीट होती हुई, जिस तरह से बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंदारा ने पहले दो ओवर्स में बल्लेबाजी की थी, अगली गेंद का सामना करने के लिए दीप्ति तैयार है और इस बार गेंद को जो तेजी से निकल रही थी कट कर दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। रफ्तार का यह नुकसान उठाना पड़ता है गेंदबाजों को, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चौका, बढ़िया शॉट लगाया दीप्ति शर्मा ने और 4 रन अर्जित कर लिए। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 98-3 विकेटों के नुकसान पर, 9 गेंदें बची हुई हैं, इन 9 गेंदों पर भारतीय टीम कितने रन जोड़ेगी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत कहां पहुंचेगी। सुनील कुमार ने कहा 112। महेंद्र मधु हैं, कहते हैं कि मैं मनोज कुमार हूं बांग्लादेश से सुन रहा हूं, बहुत शुक्रिया जी। ओवर की चौथी गेंद के साथ शबनम तैयार, इस बार बाएं हाथ की बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से खेला, पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा इस सिंगल की मदद से पहुंच गई हैं 12 के योग पर। भारत का स्कोर 99-3 विकेटों के नुकसान पर 18.4 ओवर्स के बाद, प्रोजेक्शन 106 की आ रही है लेकिन भारत 110 को जरूर पार करना चाहेगा। हरलीन देओल 53 गेंदों में 41 रन बनाकर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, हरलीन देओल। ओवर की अंतिम गेंद, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करनी होगी इन अंतिम गेंदों पर देओल के लिए। गेंद आती हुई और इस गेंद को खेल दिया पॉइंट की जानिब से, गेंद चली गई बैकवर्ड क्षेत्र में, 2 रन हासिल करने का मौका मिलेगा यहां पर बल्लेबाज को, जब तक गेंद को फील करेंगी लंबे कद की गेंदबाज, दौड़ती हुई डक भरती हुई और रन पूरा कर लिया। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 103 विकेटों के नुकसान पर, यह 19वां ओवर चल रहा है। बाबू कुशवाहा कहते हैं कि किस तरह से सब्सक्राइब किया जाए, तो बस अगर मोबाइल पे सुन रहे हैं तो जो चैट बॉक्स चल रहा है जहां मैसेजेस चल रहे हैं उसके कोने पर क्रॉस बना होगा उसे कट कर लीजिए, उसके बाद लिखा होगा इकबाल स्पोर्ट्स, उसके बगल में लिखा होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जो लिखा है उसको बस पुश कर दीजिए, दबा दीजिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, जुड़ जाइए हमारे साथ कुशवाहा भाई। 19वें ओवर की अंतिम गेंद के साथ शबनम इस्माइल चली और इस गेंद पर क्या शॉट लगाया मिड विकेट की तरफ, गैप में बल्कि 2 फील्डर्स दौड़ते हुए 1 रन लेने का मौका, बढ़िया ओवर शबनम इस्माइल का आता हुआ भारत के लिए। इस ओवर से 8 रन दिए इस्माइल ने, भारत 101 3 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर्स के बाद। 100 तो पार कर लिया भारत ने, क्या आप पार कर देंगे आज 80,000 के सब्सक्राइबर्स? दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए इकबाल स्पोर्ट्स से, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर कमेंट्री में मजा आ रहा है और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सूचना मिलती रहे। इंडिया जीतेगा कहते हैं मोहित कुमार, कुलदीप कुमार कहते हैं इंडिया 110 बनाएगी, संदीप सिंह कहते हैं 109, आकाश कहते हैं कि 112 बनेगा, अलबख्श खान कहते हैं 115 बनेगा और मटरू हैं
मटरू पिछले मुकाबले में भी थे हमारे साथ, मटरू भाई, मटरू की बिजली का मन डोला क्या फिल्म थी, और भैंस थी उस फिल्म में एक बड़ी जबरदस्त। आखिरी ओवर की शुरुआत की है खाका ने, लंबे कद की गेंदबाज, और इस गेंद को गैप में खेलने की कोशिश, पीछे मौजूद थी क्लर्क, उन्होंने गेंद को थ्रो किया, लेकिन दो रन लेने का मौका, दो रन के साथ भारत 103 तीन विकेटों के नुकसान पर ही होंगे। आपसे बातें करेंगे इस मुकाबले को लेकर, तो कहीं जाइएगा मत, चाय पीनी हो तो कमेंट्री सुनते हुए चाय पीजिएगा, खाना भी कमेंट्री सुनते हुए ही खाइएगा। 20वां ओवर चल रहा है, ओवर की दूसरी गेंद के साथ खाका, इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, गैप निकालने की कोशिश, लेकिन फिर से एक रन मिलता हुआ, बहुत तेज थ्रो क्लर्क का आता हुआ, बाउंड्री लाइन पर क्या फील्डिंग कर रही है। 20वां ओवर, अच्छी शुरुआत, सिर्फ तीन रन पहली दो गेंदों पर। खाका का कद मुझे लगता है कि 6 फुट से ज्यादा नजर आ रहा है, बहुत ही लंबी गेंदबाज नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरह से उनको दौड़ते हुए दिखाया जा रहा है, आपने जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर मुजरबानी को देखा होगा वर्ल्ड कप में, बिल्कुल उसी तरह से नजर आती हुई खाका ओवर की तीसरी गेंद के साथ। ये 20वां ओवर, अंतिम ओवर, ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को गाइड कर दिया, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए हरलीन देओल ने चौका लगा दिया, भारत 108 तीन विकेटों के नुकसान पर। यह अंतिम ओवर के जो रन हैं, कहीं दक्षिण अफ्रीका को भारी ना पड़ जाए, भारत ने अपने आप को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। 108 पर 3, अंतिम 3 गेंदें, क्या 3 चौके आएंगे, क्या भारत 120 तक पहुंचेगा। हरलीन 46 पर नॉट आउट, अगली गेंद पीछे हटती हुई और बोल्ड, हरलीन देओल पीछे हटकर जगह बनाकर कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश और बोल्ड हो गई, 46 रन बनाकर भारत 108 पर 4, खाका को सफलता मिलती हुई। अंतिम ओवर में काफी फुलर लेंथ की गेंद थी, सीधी गेंद थी, मिडिल स्टंप के सामने ये गेंद थी, पीछे हटी, सोचा कवर्स के ऊपर से मार दिया जाए, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, विकेटों में जा बैठी, बेल सूढ़ी और विकेट गिरता हुआ भारत का। K13 कहते हैं आपकी आवाज अमरीश पुरी की तरह काफी भारी नजर आ रही है। 19.4 ओवर, अमरीश पुरी, गौरी गौरी, हम अपने प्यार का फूल खिलाऊंगा रे। 108 चार विकेटों के नुकसान पर अमरीश पुरी साहब की क्या आवाज, क्या अदाकार, क्या एक्टर थे। 20वां ओवर, ओवर की 5वीं गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, ब्लॉक होल में डॉट डिलीवरी, पूजा वस्त्राकर बीट होती हुई इस गेंद पर, अच्छी वापसी की है खाका ने चौका लगने के बाद, सिर्फ 7 रन इस ओवर से, 5 गेंदें आ चुकी है, अंतिम गेंद, भारत 108 चार विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद पर क्या होगा स्कोर, कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा नाम आ चुका है, कौन है वो नाम, कालूलाल बेवफा सनम प्रताप पुरा, आय हाय। आखिरी गेंद भारत की पारी की और इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर ने गेंद को रोका, सिर्फ 1 रन लेने का मौका, और इसके साथ ही भारत की पारी 109 रन पर रुकती हुई और दक्षिण अफ्रीका को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 110 रन बनाने होंगे। आप सभी दोस्त बने रहे हमारे साथ, कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर फुल स्कोर कार्ड आने वाला है और हम इस इनिंग्स ब्रेक के दौरान कहीं नहीं जा रहे, आपके साथ लगातार बने रहेंगे और आपके कॉमेंट्स भी लेंगे। आसिम जराजपुरी, K13 का कहना है कि मेरा नाम K13 नहीं काजल है। जी हाँ काजल, हमने काजल काजल, ये मुझे कुछ जीत की याद दिला दी आपने इस डायलॉग से, है ना, लेकिन आपके माथे पर वो रस्सी नहीं बंधी हुई है। संजय बनर्जी की याद आती है आपकी आवाज से, क्या कहना है मनीष कुमार जी। संदीप सिंह कहते हैं 109 मैंने पहले ही बताया था। अरे संदीप सिंह जी, आप तो अंतर्यामी है, क्या कहने आपके। और अजमल खान कहते हैं 209, अजमल खान ने 100 रन और जोड़ दिए। और काजल कहती हैं 109 मैंने भी बोला था। संजीव कुमार कहते हैं ओहो K13 आपका भी अंदाज़ा सही था। तो बहरहाल आपके स्क्रीन पर इस वक्त भारत की बल्लेबाजी का पूरा विवरण यानी स्कोर कार्ड मौजूद है। आज भारत की बल्लेबाजी जिस तरह से चली, शुरुआत हुई, तमाम आप स्कोर देख सकते हैं।
स्मृति मंदाना शून्य पर आउट हुई थी। जेमाइमा ने 11 रन किए थे। अर्लीन देओल 46 रन बनाकर अंतिम ओवर में बोल्ड हुई। 21 रन किए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। 16 रन बनाए बल्लेबाज दीप्ति शर्मा ने। पूजा वस्त्राकर 1 रन बनाकर नाबाद रही। 14 एक्स्ट्रास के रूप में रन आए और 109 रन पहुंची भारतीय बल्लेबाजी। भारत की तरफ से आज बल्लेबाजी जो है उस स्तर की नहीं हुई, उस पैमाने की नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी। ऐसी उम्मीद थी कि तेज धूप है इस विकेट पर और रन बनेंगे, रनों की बारिश होगी, ऐसा हुआ नहीं। भारत ने एक ऐसा स्कोर बनाया है, ये स्कोर जो है कई बार ऐसे स्कोर्स जो हैं बड़े कांटे के मुकाबले लेकर आते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका ये ना सोचे कि ये 109 रन 110 रन बनाना काफ़ी आसान होगा, बड़ी चुनौती नहीं है। भारत की तरफ से भी काफ़ी दबाव बनेगा। निजामुद्दीन काजी जो हैं विमेंस वर्ल्ड कप कमेंट्री होगा, मैं एक बार फिर से एक राज खोलूंगा निजामुद्दीन काजी भाई को लेकर। निजामुद्दीन काजी भाई ये सवाल हर चैनल पर पूछते हैं। मैं 5 चैनल पर देख चुका हूं कि कमेंट्री होगा, ये विमेंस वर्ल्ड कप को लेकर काफी चिंतित हैं। अरे काजी जी, आपको क्या तकलीफ है भाई? अरे होगी तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भाई और बहनों, जब मैं ऐसे सवाल देखता हूं तो मैं भन्ना जाता हूं कि भैया जब चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है और बेलवा दबा ही दिया है तो फिर ऐसे सवाल की चिंता क्यों है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका, और मजा आ गया सर आपके चैनल, बहुत आगे जाएगा सर आपकी मिस्टर, आपकी इंडिया मिस्टर कहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आ गया सर, बहुत चैनल आगे जाएगा और 1 मिलियन पार करेगा सर। वेरी नाइस कमेंट्री, मज़ा आ जाता है। ये कहते हैं इंडिया मिस्टर, सर आप इंडिया मिस्टर, आप मिस्टर इंडिया हो गए हमारे लिए। आपने जो बात कही है दिल पे लगी है सर, और वाकई जितने कम समय में आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उससे हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रोत्साहित हैं, और उम्मीद करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, जिस तरीके से ये कारमा आगे बढ़ रहा है, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों का यूं ही साथ मिलता रहेगा। और ये जो इस वक्त हमें 80,000 लगभग दोस्तों की ये फैमिली है इकबाल स्पोर्ट्स, ये एक दिन जैसा आपने कहा कि मिलियन दोस्तों की फैमिली होगी, इस उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फैमिली को, इस कारवां को बड़ा करने के लिए आप भी अपनी तरफ से योगदान देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, टचवुड। और यकीनन हमारी पूरी कोशिश है कि हम कमेंट्री करते रहें और यूं ही जान से कमेंट्री करते रहें। तो काजल का कहना है कभी आप गुजराती में भी बोला करें। अच्छा जी, तो मोहित जी को आप गुजराती में सुनना चाहते हैं। हम लोगों को कितनी गुजराती आती है, केम छो मजा में छो। अर्जुन वर्मा, इस वक्त अरुण सिंह, नत्तू काका भी हैं, मेरा नाम तो पढ़िए साहब, नट्टू काका जी आपका भी नाम हो गया। परमानंद कुमार यादव, विनती करके याद दिलाती है सर, विनीत कर, अच्छा विनीत गर्ग कहना चाह रहे थे आप जी। हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम ये लोग हमारे क्या कहते हैं उस्ताद हैं, गुरु हैं कमेंट्री में, जिनको कि सुनकर हम बड़े हुए, और हमने जब इनकी कमेंट्री सुनी है तो वो कान से दिल तक पहुंची, दिमाग तक पहुंची, बस गई हमारे अंदर। अशोक मित्तल, आपको अपना एक रेडियो का भी कमेंट्री चैनल खोलना चाहिए। भैया सरकार लाइसेंस अगर दे दे तो खोल लेंगे, मिलता नहीं है प्राइवेटली ऐसा। और निजामुद्दीन कहते हैं कि आप जब तक जिंदा रहेंगे कमेंट्री करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे, जब तक ये फेफड़े इजाजत देंगे तब तक करते रहेंगे। संजय शाह जी हैं, नेपाल से हैं आप, अच्छा जी, चलिए बहुत शुक्रिया। कैसा मौसम है वहां पर जरूर बताइएगा। काजल कहती हैं काफी वर्ड आ गए आपको गुजराती में, जी हाँ, केम छो मजा मचो, तो इतना तो मेरे ख्याल से बहुत सारे वर्ड्स हो गए, इतने इतने वर्ड तो मेरे ख्याल से हर जबान में हम लोगों को पता ही है। गुलशन भाटिया कहते हैं हमारा भी नाम ले लो, बिल्कुल जी, 96 बनाएगी अफ्रीका, कहते हैं राकेश बगाना जी। ओके, देखते हैं कि आपका प्रेडिक्शन कितना सही होता, अगर सही होगा तब तो क्या कहने, आज तो खुशी की बात होगी। उड़ीसा से हैं विक्रम माझी ऑफिशियल, सर जी नाइस कमेंट्री, बहुत शुक्रिया जी। और
रन 96 ही बनेंगे दक्षिण अफ्रीका के, ये भी कमेंट आ रहा है हमारे साथ। आप दोस्तों से बस एक ही बार प्रार्थना, बार बार हम करते रहेंगे, बार बार हम कहते रहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले मुकाबले, पूरा सीजन है, इतना ज़बरदस्त, इतना भयंकर सीजन है क्रिकेट का। और ये अगर मैं आपको पूरा मतलब शेड्यूल बता दूं, कार्यक्रम बता दूं क्रिकेट का, तो आप जून तक लगातार नॉन स्टॉप कॉमेंट्री सुनने वाले हैं। उसके बाद के टूर्स को मैं नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन लगातार WPL, IPL, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचेस, वनडेयर्स, ये तमाम इतने सारे मैचेस होने वाले हैं, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। अरुण नेपाल से, इंडिया आज विनर होगा, नेपाल में कहाँ से हैं अरुण भाई बता दीजिएगा। कुलदीप यादव, मैं यूपी 24 से बिसौली से हूँ सर, बहुत शुक्रिया जी आपका। सुनील कुमार सर जी, आप लोग कहाँ से कमेंट्री कर रहे हैं? हम दिल्ली से कमेंट्री कर रहे हैं जी, दिल्ली है शहर और GNS पहाड़ी जी हैं, इंडिया जीतेगा। सदाकस अंसारी हैं झारखंड से, झारखंड में कहाँ से हैं अंसारी साहब बताइएगा। नूर सैनी, इंडिया जीतेगा मैच आज, बिल्कुल जी। विकास कुमार पासवान, इंग्लिश में भी कमेंट्री सुना है, कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में कि हम इतना प्रबंध कर सकें कि हिंदी इंग्लिश की दोनों की कमेंट्री करें, और ये हौसला हमें तभी मिलता रहेगा जब आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमारा बेस बढ़ाते रहेंगे। फनी वीडियो कहते हैं मैसेज तो पढ़ो भाईजान, हम खाना खाते हुए भी कमेंट्री सुन रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सरवर जयपुर से, सिलाई करते हुए आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ, क्या कहने सरवर भाई, मज़ा ही आ गया। ये तो रेडियो वाला बिल्कुल जोन है, रेडियो की कमेंट्री, कहीं कोई सिलाई करते हुए, कहीं कोई पकौड़े तलते हुए, कहीं कोई किराने की परचून की दुकान पर सामान बेचते हुए सुनता रहता है, ऐसा देखा है हमने कई बार। विशाल सिन्हा बिहार से हैं, महाराष्ट्र पुणे से हैं। अन्नू एस कुमार किंग, इंडिया जीतेगा, बिल्कुल जी। रिंकू राजपूत, पिच कैसी है, बॉलिंग विकेट है कि बैटिंग पे है? पिच ऐसी है कि इस पर स्पिनर्स को बड़ी मदद मिली है, और उम्मीद है कि भारतीय स्पिनर्स भी कुछ कमाल करेंगे। भाईजान कैसे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। मिता पल्ली जी हैं, टेल मी द प्रेडिक्शन टुडे मैच, प्रेडिक्शन इन अ सेंस हु इज गोइंग टू विन द गेम और समथिंग एल्स, आप ये भी पूछ सकते हैं। क्रिकेट फैन बिहार से, मैं तो कंपनी से हूँ और कंपनी में काम करते हुए सुन रहा हूँ। महेंद्र का काम करता हूँ मैं इस वक्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कहते हैं राकेश भाई हमारे साथ। राजू भाई हैं, मस्त कमेंट्री चल रही है। पिच कैसी है, बॉलिंग विकेट है क्या? जी बिल्कुल, स्पिनर्स के लिए तो बढ़िया है। रांची से हैं अंसारी साहब कह रहे हैं, और संजय भाई हैं कहते हैं कि संजय, रिंकू राजपूत है हमारे साथ, फिरोज जी हैं और महाराष्ट्र से हैं वो भी इस वक्त। सुनील कुमार, अखिलेश कुमार, शब्बीर मोहम्मद, मोहम्मद अकमम, पुष्पेंद्र कुंभार भी हैं, हरा दो न्यूजीलैंड की तरह। अच्छा, कुलदीप यादव भी हैं, सर आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है। फरहान भी हैं, विशाल सिन्हा, इंडिया जीतेगा। क्रिकेट फैन, मुझे ये बताओ कि इंडिया जीतेगा या नहीं? अब मैं या इकबाल, दिल में तो हमारे यही है कि हम चाहते हैं इंडिया जीत जाए, लेकिन ये बता सकना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मतलब देखिए, हम लोग उस तरह की प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते जो कुछ लोग पता नहीं यूट्यूब पे चैनल खोल कर करके बताते हैं कि भाई आज ये जीतेगा, आज ये होगा, आज वो होगा। ये धोखे वाला काम हम करने कभी करते नहीं और ना कभी करेंगे, ना ही कभी किया है। हाँ, जो हमारा ज्ञान है, हमारी जो इंट्यूशन है, या हम जिस तरीके से गेम को देखते हैं, उस प्रस्पेक्टिव से हम अपनी बात को आप तक रखते हैं कि हाँ आज इसका पलड़ा भारी लग रहा है, या प्लेइंग कंडीशन जो स्पिन पिच होगी या फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी, उस हिसाब से किस टीम के पास किस तरह के बॉलर हैं, उसको देखते हुए हम एनालाइज करके आप तक कोई प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ आज ये टीम जीतने जा रही है, ये टीम का पलड़ा भारी है। लेकिन कुछ लोग जो यूट्यूब पर काफ़ी यूट्यूबी हैं आजकल, मैं देखता हूँ उन लोगों को, अरे भाई साहब ये टीम बना लीजिए, इस टीम से ऐसा हो जाएगा, उस टीम से, वो हम काम नहीं करते, हम सो सॉरी उस तरह के लिए। बहुत सारे और से वो काम उनको करने दीजिए, हमारा काम यह है कमेंट्री करना, और एक ऑथेंटिक तरीके से जो विश्लेषण होता है गेम का, क्रिकेट का, वो हमें करने दीजिए, और हम इसी को करने में खुश हैं, और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी यही उम्मीद रहती है हम दोनों से, आसिम से और मुझसे। जी हाँ बिल्कुल, एक कमेंट आया है कि 66 पे
न्यूजीलैंड की तरह आउट कर दो। जयसिंह है, इकबाल भाई की आवाज बिल्कुल संजय बैनर्जी की तरह लगती है, क्या कहने जयसिंह भाई। आप कहां से हैं बाबा साहेब? भारत जीतेगा भाई, अखिलेश कुमार, अरविंद कुमार, इंडिया जीतेगा, संतोष कुमार, आई लव माय इंडिया। सवाई ग्राफिक्स हैं, कुलदीप यादव रिंच मांग रहे हैं। क्रेजी बॉय ऑफिशियल गिरडी से है, गिरडी से है क्रेजी बॉय ऑफिशियल। ओके बॉय ऑफिशियल पुराने हैं ये, हाँ गिरडी से हैं। चलिए तो विचार किया जा रहा है, लेकिन आपको मॉडरेट करना होगा। एक सिद्धार्थ जी को हमने रिंच दिया, कल लगातार वही कमेंट कर रहे हैं। अरे भैया आप अपना कमेंट देखने के लिए वहाँ पर रिंच नहीं दिया जाता है, एक आधा कमेंट कभी कभी कीजिए जिनको रिंच दिया जाता है। बाकी जो गलत बयानी हो रही है या बार बार एक ही कमेंट आ रहा है उसको मॉडरेट करना होता है आपको। तो क्रेजी बॉय ऑफिशियल क्या ये करना चाहते हैं, क्या ये करेंगे आप बोलिए, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो अभी हम रिंच दिए देते हैं। हाँ बिल्कुल दे देते हैं। बबलू मंसोत्रा भाई जय हो महाराज जी, महाराज जी जय हो, क्या हाल है जेके में, कितना टेम्परेचर है, तापमान बताइएगा। शैलेश चौहान जी हैं, मोदी जी बहुत कम बोल रहे थे कल, आज नहीं चलेगा ऐसा। अरे भैया कल मैंने कहा था कि अपने घर में जब मेहमान हो तो हो तो मेहमानों की मेहमान नवाजी भी जरूरी है ना, और हमारी मेहमान नवाजी तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा हिंदुस्तान मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है भाई और बहन, है कि नहीं? धर्मराज यादव जी हैं और बिल्कुल क्रेजी बॉय ऑफिशियल एक बार फिर से कमेंट अगर आप कर लें तो आपको रिंच दिया जा सकता है। कुलदीप जी हैं, रूपल महतो हैं हमारे साथ, सुनील कुमार हैं, सुपर चैट करने का क्या उपाय है जी पूछ रहे हैं ये, और धर्मराज यादव जी हैं जिनका नाम मैं ले रहा था, रायबरेली सालोन देहात से वो हैं। धर्मराज यादव जी हमारे काफ़ी रेगुलर लिसनर हैं, और अखिलेश कुमार हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और गदर टू आने वाली भी है। विकास कुमार यादव भी है, क्रिकेट फैन, किसका पल्ला भारी है बताइए भाई, लाइट रोलर इस वक्त मैदान पर चल रहा है, विकेट पर चल रहा है, मैदान पर तो नहीं चलेगा। पिच कैसी है, बॉलिंग विकेट है क्या, स्पिन के लिए बढ़िया विकेट है, फास्ट बॉलिंग अगर आपके पास फास्ट बॉलर हैं तो नई बॉल से थोड़ा फायदा उठ सकता है, और पूजा वस्त्रकर की गेंदबाजी मुझे लगता है कि शुरुआती ओवर्स में बढ़िया देखने को आ सकती है। और इस बीच मुकाबला शुरू होने वाला है क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स क्रीज की तरफ बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से क्रीज की तरफ बढ़ते हुए दोनों ही ओपनर प्रारंभिक बल्लेबाज सलामी जोड़ी और भारतीय टीम फील्डिंग करने के लिए मैदान पर पहुंच चुकी है। और गोलू शर्मा, सदाकस अंसारी, कॉमर्स स्पॉट प्लीज मुझे बना दो मॉडरेटर, और सर रिंच दो प्लीज कहते हैं कुलदीप यादव। सुभी पूजा जी हैं, शिवांश सैनी हैं, असगर खान सर कहते हैं कि हमारे साथ गाड़ी चलाते हुए कमेंट्री कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तमाम दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम्स इस मुकाबले में एक दूसरे से जद्दोजहद करते हुए फाइनल मुकाबला त्रिकोणीय श्रृंखला का, गेंदबाजी की शुरुआत दूसरी पारी में, यानी भारत अब डिफेंड करने के लिए तैयार। दीप्ति शर्मा को गेंद थमाई है हरमनप्रीत कौर ने, ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा, जो पिछले दिनों सुर्खियों में रही जब उन्होंने बैनकैडिंग की थी इंग्लैंड में, उसके बाद काफी चर्चा उनके नाम को लेकर हुई। टैजमिन ब्रिट्स बल्लेबाजी करने के लिए आ चुकी हैं, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज दूसरे छोर पर मौजूद, पहली गेंद पर सीधे बल्ले से डिफेंड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। 110 रनों का लक्ष्य रखा है भारत ने इस मुकाबले को जीतने के लिए। भारत के लिए आज बल्लेबाजी बहुत उत्कृष्ट नहीं रही, शुरुआत बहुत धीमी रही, लेकिन इस वक्त तैयार गेंदबाजी के लिए दीप्ति शर्मा अगली गेंद के साथ, और इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला और कोई रन नहीं मिलेगा। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी होती हुई स्पिन गेंदबाज, तो ये बड़ी ही आदर्श सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं दीप्ति शर्मा जैसी गेंदबाज के लिए, वो चैलेंजेस को बड़ा एक्सेप्ट करती हैं, और इस वक्त काफ़ी चैलेंज है भारत के सामने फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए।
इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने के लिए क्या भारतीय गेंदबाज कामयाब होंगी, सफल होंगी? अगली गेंद एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से लॉरा ने डिफेंड किया। लॉरा वुलवार्ड बल्लेबाजी करते हुए और उनके साथ हैं टैस्मिन ब्रिट्स। लॉरा एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। दीप्ति शर्मा ऑफ स्पिन गेंदबाज ओवर द विकेट। ये गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल किया। शॉर्ट पिच विकेट पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। टाइम नहीं कर सकी गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी शुरुआत भारत के लिए होती हुई। ओवर की पांचवी गेंद के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार होती हुई गेंदबाज दीप्ति शर्मा। भारत ने मात्र 110 रनों का लक्ष्य रखा है तो रोमांच इस मुकाबले में जरूर आएगा। स्क्वायर लेग पर मौजूद ठाकुर फील्डिंग करती हुई, इस बीच कवर्स में खेला, एक बार फिर से कोई रन नहीं मिलेगा। पांच गेंदें इस ओवर की हुई हैं। कुछ उसी तरह से शुरुआत जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने की थी, लेकिन सामने तेज गेंदबाज थी शबनम इस्माइल और इस वक्त स्पिन गेंदबाज है दीप्ति शर्मा भारत के लिए। पांच गेंदें हो चुकी हैं, लॉरा के बल्ले से कोई रन नहीं आया है और अंतिम गेंद के साथ चलेंगी। और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश और मेडन ओवर के साथ भारत ने भी शुरुआत कर दी है। अच्छा दबाव भरा ओवर रहा दीप्ति शर्मा के द्वारा। भारत ने एक ओवर की गेंदबाजी की, दक्षिण अफ्रीका के बोर्ड पर कोई रन नहीं लगे। अब 19 ओवर्स में 110 रनों की जरूरत, तो अच्छी शुरुआत भारत की गेंदबाजी से होती हुई। भारत को दबाव बनाना है, भारत को रनों की जो रफ्तार है उस पर अंकुश भी लगाना है, भारत को रिक्वायर्ड रेट जो है उसको भी बढ़ाना है। ये तमाम समीकरण भारत के लिए थोड़े से चैलेंजिंग जरूर हैं, क्योंकि ये जो दक्षिण अफ्रीकी टीम है वो अपने ही विकेट पर खेल रही है। उन्हें पता है विकेट का नेचर कैसा है, कैसी प्रवृत्ति का ये विकेट है, ये पिच कैसा खेलेगी आने वाले ओवर्स में। लेकिन इस वक्त भारतीय गेंदबाज ने बड़ी उम्दा शुरुआत की है। दूसरे ओवर की शुरुआत भी स्पिन गेंदबाज करेंगी राजेश्वरी गायकवाड़, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है। एक स्लिप के साथ शुरुआत करेंगी। हल्के से बादल मैदान के इर्द गिर्द जरूर नजर आ रहे हैं और जैसा कि हमने शुरुआती पिक्चर दिखाई थी कि 20% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। इस बीच ऑफ स्टंप की लाइन, ऐसा लगा कि ऑफ स्टंप उखड़ गया, लेकिन ऑफ स्टंप को बिल्कुल छूती हुई गेंद चली गई, विकेट कीपर के पैड्स में टकराई और राजेश्वरी गायकवाड़ एक वक्त को खुश हो गई थी कि उन्हें विकेट मिल गई पहली गेंद पर। पांच मुकाबले खेले हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय। राजेश्वरी एक बार फिर से राउंड द विकेट स्लिप के साथ, इस बार बैकफुट पर जाकर सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंड किया। भारत ने भी बिल्कुल उसी तरह से शुरुआत की है जैसी बल्लेबाजी भारत ने की थी। गेंदबाजी में बढ़िया, आठ गेंदे कोई रन नहीं अभी तक। बहुत उम्दा शुरुआत होती हुई स्पिन गेंदबाजी से। राजेश्वरी एक बार फिर से लेफ्ट ऑफ राउंड द विकेट चली, अंपायर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्ट कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जाते हुई और यह बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई 6 रनों के लिए। टैस्मिन ब्रिट्स ने सीधा छक्का मारकर इनिंग की शुरुआत कर दी है। इरादे साफ कर दिए कि हम वैसा नहीं खेलेंगे जैसा आप खेले थे, हम उस तरह से नहीं बल्लेबाजी करेंगे। क्या बढ़िया पिकअप शॉट खेला, एक नंबर की जर्सी पहनी हुई और एक नंबर का शॉट लगाया बल्लेबाज टैस्मिन ब्रिट्स ने। बहुत लंबा छक्का बाउंड्री के पार, दर्शक दीर्घा में जाकर गेंद गिरी। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर फ्रंट फुट पर आई, गेंद की लाइन देखी और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। भारत को विकेटों की तलाश, भारत को तलाश है कि ऐसे ओवर्स आए जहां रन न बने, लेकिन जो छक्का लगाया बाउंड्री के पार दूर जाकर दर्शक दीर्घा में, बढ़िया बल्लेबाजी, पावरफुल बैटिंग, बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। थोड़ी सी फ्लाइट, थोड़ा सा डिसेप्शन देने का प्रयास करती हुई राजेश्वरी गायकवाड़। काफी पुरानी खिलाड़ी हैं, बहुत तजर्बा है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है गेंदबाज। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करने की कोशिश, वाइड बॉल और कोई रन नहीं मिलेगा। सुपर चैट गुरु भाई आ गए हैं, सुपर चैट उन्होंने ऐड किया, बहुत शुक्रिया। मुझे भूल गए क्या, ये किस सदी की बात है? जी हाँ गुरु भाई, खिजा का मौसम था, पत्ते पेड़ों से टूट रहे थे और हम आपको नहीं भूल रहे थे। अगली गेंद इस बीच और बहुत ही उम्दा बॉल, क्या बढ़िया गेंद से ओवर फिनिश किया। छक्का जरूर पड़ा लेकिन सिर्फ एक रन और आया और 7 रन 2 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम का। माइक पर इकबाल।
शुक्रिया आसिम। तो इस वक्त भारतीय टीम की भी गजब की शुरुआत, हालांकि इस ओवर में एक छक्का लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी दबाव दक्षिण अफ्रीका की विमेंस टीम के ऊपर भी नजर आ रहा है। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है इस मुकाबले को जीतने के लिए, 110 रन बनाने होंगे दक्षिण अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। फिलहाल वुलवॉट खेलती हुई शून्य पर और ब्रिट्स ने 6 रन बनाए हैं, छक्का मार करके उन्होंने अपना खाता खोला और टीम का खाता खोला था। फिलहाल तीसरे ओवर की शुरुआत दीप्ति शर्मा के द्वारा। पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, पैड पर गेंद जाकर टकराई, अपील जोरदार, लेकिन क्योंकि बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्रीज छोड़ दिया था, काफी आगे आ गई थी बल्लेबाज, तो ऐसे में अंपायर ने इस अपील को ठुकरा दिया और अब दोबारा जाना होगा दीप्ति शर्मा को अपने बॉलिंग मार्क पर। भारत को अगर यह मुकाबला जीतना है तो शुरुआत से ही झटके देने होंगे। दीप्ति शर्मा की अगली गेंद और इस बार विद द स्पिन पुल करने का प्रयास, कॉट बिहाइंड की अपील, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए अपनी जगह से, न रिव्यू है न ही रेफरल का प्रावधान है और ना ही तीसरे अंपायर का यहां पर कोई प्रावधान है, तो ऐसे में एक बार जब अंपायर ने कह दिया नॉट आउट तो कह दिया नॉट आउट। क्या मजबूरी है इस वक्त, भारतीय महिलाएं उस पीड़ा को समझ रही हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ दीप्ति शर्मा एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल और इस बार क्लीन बोल्ड, भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिला दी है। वुलवॉट खाता खोले बगैर, स्मृति मंदाना भी पहले विकेट के रूप में खाता खोले बगैर गई थी और यहां वुलवॉट को भी खाता खोले बगैर एक बढ़िया स्पिन लेती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका 7 अब 1 विकेट के नुकसान पर। भारत की भी धमाकेदार शुरुआत इस मुकाबले में होती हुई आसिम। जी बहुत ही एक जैसी विकेट, पहले मंदारा ने 8 गेंदें खेली थी, कोई रन नहीं बनाया, वुलवर्ड ने 1 गेंद ज्यादा खेली लेकिन रन कोई नहीं बनाया, 7-1 विकेट के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा को लेकर अंपायर्स ने कप्तान से शिकायत की है। ओके, दीप्ति शर्मा इस वक्त अंपायर से बातचीत भी कर रही हैं और थोड़ा जोश में जो अपील की थी पिछली गेंद पर, हालांकि अगली ही गेंद पर विकेट भी मिल गई और आप बैटिंग करने के लिए आ गई हैं। गुडाल, गुड ऑल, इनका नाम गुड ऑल है, लारा गुड ऑल, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड लारा। ये 20 मुकाबले, 273 रन, 21 का औसत, 104 का स्ट्राइक रेट, 52 का टॉप स्कोर, 26 नंबर की जर्सी और लग रहा है कि बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ की बैट्समैन नजर आ रही हैं और उनके आंकड़े आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। 19 मुकाबले, 273 रन किए हैं इस खिलाड़ी ने, तो एक युवा नौजवान क्रिकेटर इस वक्त सामना करते हुए दीप्ति शर्मा। और सीधी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट पर आकर एक बार फिर से गेंद को सम्मान दिया दीप्ति शर्मा। भारत के लिए शबनम इस्माइल से कम नहीं है, शबनम ने पहले 2 मेडन ओवर किए थे, विकेट नहीं मिली और लग रहा है कि दीप्ति शर्मा 2 मेडन ओवर करके 1 विकेट तो ले ही गई हैं, क्या 1 विकेट और मिलेगी। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सीधा बल्ला लगाया, लगाना जा रही थी बड़ा हिट, लेकिन अपनी जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट है उस पर विराम लगाया और अंतिम समय पर गेंद की लंबाई और ऊंचाई को देखकर, फ्लाइट को देखकर रोक लिया अपने हाथ को बल्लेबाज गुडॉल ने। ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगी दीप्ति शर्मा, क्या ये कारनामा कर पाएंगी, लगातार 2 मेडन ओवर या नहीं। ऑन साइड में गेंद को खेला और 1 रन मिल गया, 1 रन हासिल कर लिया गुडॉल ने और 8-3 ओवर्स के बाद 1 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका। तो यकीनन इस बात में बिल्कुल कह दें तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत की है, दक्षिण अफ्रीका को अगर ये ट्रॉफी छूनी है, पकड़नी है, तो इस आग के दरिया से गुजरना होगा, जिस तरह से पहले 3 और डूब के जाना होगा। क्या कहने इकबाल साहब, आप तो बिल्कुल हमेशा उस इश्क के मोड में ही रहते हैं, हैं डूबने डुबाने की बात करते हैं साहब। अब आपने ऐसी बात कर दी आसिम जी कि आग का दरिया है तो हमने कहा डूब के जाना है। इतनी मुश्किल है दक्षिण अफ्रीका के लिए, बिल्कुल बहुत मुश्किल। और गेंदबाजी में अब गेंदबाज आ गई हैं स्नेह राणा, आज उन्हें टीम में जगह मिली है, आज वो गेंदबाजी के लिए आ गई हैं और 2 मुकाबलों में 1 विकेट उनके हाथ अभी तक आई है,
4 का इकोनॉमी रेट रहा है स्नेह राणा। गेंदबाजी करने के लिए तैयार स्पिन गेंदबाज, अच्छा इंक्लूजन है इस पिच को देखते हुए। इस गेंद को स्कूप करने की कोशिश, गेंद उनके कंधे से टकरा गई और क्या गेंद हेलमेट पे आकर लगी है, हेलमेट के अंदरूनी हिस्से में टकराई है। अंपायर दोनों आ गए हैं कि भैया आ जाइए फिजियो और कंकशन टेस्ट ले लीजिए, ऐसा तो कुछ खास नजर नहीं आया। स्पिन गेंद थी और गेंद देखना है कि टकराई है तो कहां पर, स्नेह राणा के गेंद लगी और दाढ़ी के करीब गेंद टकराई है। इस वक्त गुडॉल ऑल गुड नजर नहीं आ रही है, हालांकि वो मुस्कुरा रही, उन्होंने अंपायर को इशारा किया कि मैं ठीक हूं, लेकिन क्योंकि एक प्रोटोकॉल बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि अगर आपको चेहरे पर चोट लगती है, चाहे आगे के हिस्से में पीछे के हिस्से में, तो फिजियो को मैदान पर आना पड़ता है और देखना पड़ता है कि खिलाड़ी फिट है। फिजियो जा चुके, खिलाड़ी फिट है और एक बार फिर से तैयार। राउंड द विकेट ये गेंद और इस बार खेल दिया मिड ऑन की तरफ और बहुत ही खराब फील्डिंग, निहायत ही खराब फील्डिंग और एक रन या दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लेंगी बल्लेबाज। एक रन लेने का मौका यहां पर मिलता हुआ, मिड ऑन पर फील्डर थी और यहां पर जुल्फें खुल गई और एक बार फिर से गुडॉल के साथ कुछ ऑल गुड नजर आ नहीं रहा एक बार। जी हाँ, जब से आई है बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कुछ ना कुछ समस्या जरूर नजर आ रही है। गेंदें माथे पर टकरा रही हैं, उनकी जुल्फें खुल रही हैं, कई बार फिजियो को भी मैदान पर आना पड़ा है कादा बार, तो ऐसे में थोड़ी सी समस्या जरूर है इस वक्त गुडॉल के साथ। नाम तो इनका गुडॉल है लेकिन ऑल गुड नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आसिम ने, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका विमेंस का स्कोर है। मुकाबला जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 110 रन बनाने होंगे, लेकिन जो चुनौती इस वक्त मिल रही है भारतीय गेंदबाजों से वो काफी खतरनाक है। स्नेह राणा एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद और इस बार बिल्कुल स्टंप के सामने से ऑन साइड बेस गेंद को खेला, नॉन स्ट्राइक गेंद से रन लेने के लिए आगे आई थी ब्रिट्स, लेकिन वापस सही समय रहते क्रीज के अंदर पहुंचने में कामयाब। मार्मिक पराशर जी कहते हैं कि वुमेन की दाढ़ी नहीं होती, ठोड़ी होती है। जी हाँ, चलिए अच्छा ज्ञान दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त गुडॉल नॉट एट ऑल फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद गई पैड पर टकराई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। चौथा ओवर पारी का चल रहा है, दक्षिण अफ्रीका 9-1 विकेट के नुकसान पर। भारत ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया नहीं है तो ऐसे में भारत को शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखना होगा और एक एक रन के लिए मशक्कत कराना होगा दक्षिण अफ्रीका को। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया डिलीवरी, सीधी रहती हुई छोड़ दिया इस गेंद को, बहुत ही केयरफुल नजर आ रही हैं ब्रिट्स और कोई रन बनाने का मौका नहीं इस वक्त ब्रिट्स के पास। ब्रिट्स 6 पर, दक्षिण अफ्रीका 9-1 विकेट के नुकसान पर। त्रिकोणीय श्रृंखला महिला क्रिकेट का ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। अगली गेंद पर खत्म का इस्तेमाल, गेंद को लॉन्च किया गेंदबाज के सर के ऊपर से, हालांकि डीप में फील्डर मौजूद हरलीन देओल के रूप में सिर्फ एक रन लेने का मौका और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ स्नेह राणा का। स्नेह राणा का यह पहला ओवर जिसमें उन्होंने 2 रन खर्च किए। 4 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका 10-1 विकेट के नुकसान पर। बाबुल हुसैन हमारे साथ हैं, प्रेम राजपूत जी हैं, ऋषभ साहू का कहना, इंडिया के कितने विकेट गिरे थे कोई बता सकता है? इंडिया के कितने विकेट गिरे थे हम आपको बता सकते हैं, इंडिया के 4 विकेट गिरे थे, हमने आपको बता दिया जब भारत ने बल्लेबाजी की, 4 विकेट पर 109 रन बनाए थे। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो रही है और इस वक्त दीप्ति शर्मा को क्या कप्तान 2 ओवर के बाद हटा लेंगी या फिर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखा जाएगा दीप्ति के द्वारा, देखना थोड़ा दिलचस्प रहेगा। दीप्ति ही आ रही गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद दीप्ति शर्मा की और इस गेंद पर रिवर्स स्वीप, स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद शॉर्ट थर्ड बेन पर पहुंच गई, वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को उन्होंने रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 4.1 ओवर, 10 रन 1 विकेट पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर है। फाइनल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। अगली गेंद दीप्ति की और इस बार बैकफुट पर हटते हुए इस गेंद को निकाल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 11 रन दक्षिण अफ्रीका का 1 विकेट के नुकसान पर। दक्षिण अफ्रीका के सामने मुकाबला जीतने के लिए 110 रनों का लक्ष्य है और अभी 99 रनों की और आवश्यकता दक्षिण अफ्रीका को। इस ओवर की 3री गेंद के साथ तैयार हो रही है गेंदबाज दीप्ति शर्मा, ये उनका 3रा ओवर है
और अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है दीप्ति ने। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद फ्लाइटेड, गेंद जाकर बैट पर टकराई, अपील जोरदार, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। एक बार फिर से अंपायर टस से मस नहीं हुए, क्या लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई थी या फिर लाइन पर, लेकिन अंपायर का मानना कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी और ऐसे में नॉट आउट करार दिया गुडॉल को। अगली गेंद और इस बार गुडॉल ने बल्ले को बाहर एक किनारा दिया और गेंद जा रही है थर्ड मैन के इलाके में। किस्मत वाली रही कि गेंद स्लिप के बगल से निकल गई बाउंड लाइन की तरफ, हालांकि जब तक गेंद को उठाकर थ्रो किया जाएगा, दौड़कर दो रन पूरे कर लिए गए और इन दो रनों के साथ दक्षिण अफ्रीका 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। गुडॉल 7 गेंदों पर 4 रन, ब्रिड्स 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं। दीप्ति शर्मा की घूमती हुई गेंदें इस वक्त अग्नि परीक्षा लेती हुई दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के सामने बढ़िया डिलीवरी, पखाने के बाद हल्का सा टर्न और उछाल के साथ इस गेंद को डिफेंड किया बल्लेबाज गुडॉल ने, गेंद को आगे बढ़कर के फॉलो थ्रू में उठाया दीप्ति शर्मा ने। 13 रन एक विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ। दीप्ति शर्मा चली ये गेंद और इस बार इस गेंद पर रिवर्स स्वीप, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि हरलीन देवल ने गेंद को रोक लिया। बढ़िया फील्डिंग, जब तक इस गेंद को उठाकर थ्रो किया जाएगा, एक बार फिर से इधर दौड़ करके दो रन पूरे कर लिए गए। इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर और इसके साथ ही पांचवां ओवर पारी का समाप्त हुआ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल इकबाल स्पोर्ट्स पर। दोस्तों जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो घंटी का चित्र है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आज 80,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने का लक्ष्य, एक इच्छा हमारी है, उसमें सिर्फ 1,150 सब्सक्राइबर्स की और जरूरत है दोस्तों। तो जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस इच्छा को पूरी करें आज के दिन। इस ओवर की शुरुआत, पहले गेंद को छोड़ दिया, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, आई है गेंदबाजी करने के लिए स्नेह राणा। 15 एक विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका छठा ओवर पारी का इस वक्त शुरू किया है स्नेह राणा ने। स्नेह राणा को आज शिखा पांडे की जगह पर टीम में शामिल किया गया है। स्पिन गेंदबाज, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की है, इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को ड्राइव कर दिया, रन नहीं मिलेगा। 15 एक विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले में भारत ने 109 रन बनाए, 110 रनों का लक्ष्य रखा। दक्षिण अफ्रीका की काफी धीमी शुरुआत, भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया है, अभी तक 5.2 ओवर्स यानी कि 32 गेंदों में मात्र 15 रन बनाए दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव के लिए गए, कॉट बिहाइंड की अपील और उंगली उठ गई, स्नेह राणा ने एक विकेट चटका ली और आउट हो गई है ब्रिट्स। टैस्मिन ब्रिट्स ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड डिलीवरी पर एक्स्ट्रा कवर के सामने से शॉट लगाने के लिए गई, फ्रंट फुट पर आई, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो गेंद का टर्न था, जो घुमाव था गेंद का, वो बल्ले के बाहरी किनारे को छूता हुआ विकेट कीपर के दस्ताने में चला गया और 8 रन बनाकर 15 गेंदों में आउट होकर चली गई टैस्मिन ब्रिट्स। भारत को दूसरी सफलता, दक्षिण अफ्रीका अब दबाव में और स्नेह राणा को पहली सफलता मिलती हुई। भारत के स्पिन गेंदबाजों ने अभी तक गेंदबाजी भी की है और सफलता भी उन्हीं को मिली है, अभी तक किसी मीडियम पेसर को मौका नहीं मिला है, चाहे वो पूजा वस्त्राकर हो या फिर रेणुका सिंह ठाकुर हो। 15-2 विकेटों के नुकसान पर आप सुन रहे हैं इकबाल स्पोर्ट्स। दोस्तों अगर पहली बार कॉमेंट्री सुनी है, कॉमेंट्री अच्छी लगी है, आपको मजा आया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा टारगेट जो है, लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य 110 का नहीं है, हमारा लक्ष्य मात्र 80,000 का है। तो 80,000 सब्सक्राइबर्स आप कर दीजिए, आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इस परिवार को और बड़ा कीजिए, ताकि हम आने वाले वक्त में एक बड़े से बड़े परिवार में तब्दील होते चले जाएं और कमेंट्री में नई नई चीज़ें आप तक पहुंचाते रहें। 15-2 विकेटों के नुकसान पर स्नेह राणा बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं, बहुत उम्दा टप्पे खिला रही हैं, गेंद को कभी अभी तक शॉट नहीं रखा, ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड डिलीवरीज कर रही हैं और दावत दे रही हैं शॉट्स के लिए स्लिप के साथ। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, पॉइंट पर मौजूद स्मृति मंदना ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। बेहतरीन इस वक्त रणनीति चल रही है भारतीय कप्तान की, जो ऑफ साइड है उसको पैक किया गया है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है,
और लगातार इनवाइट किया जा रहा है बल्लेबाज को। सोनी लूस अब आ गई है कप्तान, दाएं हाथ की बल्लेबाज। इस बीच ऑफ स्टंप की लाइन टर्न लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल ऊपर की तरफ आती हुई बैकफुट पर जाकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। स्नेह राणा इस ओवर में 5 गेंदें 1 विकेट, कोई रन नहीं दिया। उम्दा गेंदबाजी, 1.5 ओवर्स में सिर्फ 2 रन और 1 सफलता। ये छठा ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद के साथ आ जाएंगी अब गेंदबाजी करने के लिए राणा। स्लिप में खड़ी है दीप्ति, इस बीच गेंद को उठा दिया मिड ऑन के ऊपर से 2 टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाया, पावर प्ले को खत्म किया 19 के योग पर 19, 2 विकेटों के नुकसान पर। दक्षिण अफ्रीका 6 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद, भारत ने 110 रनों का लक्ष्य रखा है। 14 ओवर्स की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों के द्वारा आनी है इस मुकाबले में, और जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है टीम दक्षिण अफ्रीका को। 84 गेंदें 91 रन, दबाव जरूर बनाने में कामयाब हुई है भारतीय गेंदबाजी, लेकिन जिस तरह से थ्रू द लाइन शॉट्स खेले, 2 शॉट्स देखने में आए, ये चौका और एक छक्का जो हमने देखा था शुरुआती ओवर्स में, निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहे हैं भारतीय कप्तान की। और डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेलना हमेशा से ही काफ़ी सेफ रहता है। पावर प्ले में भारत ने भी 19 किए थे, दक्षिण अफ्रीका ने भी 19 किए हैं। फर्क इतना है कि भारत की 1 विकेट गिरी थी, दक्षिण अफ्रीका की 2 विकेटें गिरी हैं। अगले ओवर की शुरुआत गायकवाड़ की, इस बार पैट्स में गेंद थी और बाएं हाथ की बल्लेबाज लारा ने इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला 1 रन के लिए। लारा गुडऑल का जो नाम है, यकीनन ब्रायन लारा से इंस्पायर होकर ये नाम पड़ा होगा, क्योंकि बाएं हाथ की बैट्समैन भी हैं और काफी अंदाज भी लारा जैसा नजर आ रहा है इस बल्लेबाज का। 6.1 ओवर के बाद 20 से 2 विकेटों के नुकसान पर लक्ष्य 110 रनों का राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक गेंदबाजी करते हुए बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी नहीं रही है। और ओवर की दूसरी गेंद के साथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी कर रही हैं। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों से खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 1 रन लेने का मौका, आसानी से 1 रन मिलता हुआ 6.2 ओवर्स। बफलो पार्क का ये मैदान, ईस्ट लंदन है शहर, इसी मैदान पर यह 7वां T20 मुकाबला इस श्रृंखला का फाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है। इससे पहले लीग मुकाबले दक्षिण अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज की महिला टीम्स के बीच खेले गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका फाइनल्स में पहुंची, और इस बीच एक जद्दोजहद चलती हुई। ओवर की तीसरी गेंद, बोल्ड कर दिया राजेश्वरी गायकवाड़ ने, लारा को बोल्ड कर दिया, क्या कहने। लेफ्ट आर्म स्पिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए काफी प्रोडक्टिव होती है, लेकिन क्रॉस बैटेड शॉट, काफी अच्छी फ्लाइट, गेंद हवा में थी, बल्ला चल गया और बोल्ड हो गई लारा। मिडिल स्टंप पर गेंद टकराती हुई, स्पिनर्स का बोल बाला इस मुकाबले में, और भारत ने एक और सफलता हासिल की, दक्षिण अफ्रीका 21 पर 3, 6.3 ओवर्स के बाद लारा गुडॉल 7 रन बनाकर 11 गेंदों में आउट होकर वापस जाती हुई, और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें धीरे धीरे धूमिल पड़ती हुई इस मुकाबले में। और भारतीय गेंदबाजों ने एक नई शमा रोशन कर दी है 3 विकेटें हासिल करते हुए इस मुकाबले में, और ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस छोटे से लक्ष्य को, दक्षिण अफ्रीका को भेदने नहीं देगी। जिस तरह की गेंदबाजी, जिस तरह की पोजीशन इस वक्त भारतीय गेंदबाजों ने और कप्तान ने बना ली है, और दक्षिण अफ्रीकी जो बल्लेबाज हैं उनके जो कंधे झुके नजर आ रहे हैं, जो दबाव नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर एक रोमांचक मुकाबला होगा। दक्षिण अफ्रीका भी यूं ही तो हार नहीं मान लेगा। डीप स्क्वायर लेग पर खड़ी है रेणुका सिंह ठाकुर, सोच रही है मेरा नंबर कब आएगा, लेकिन जिस तरह से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल होनी है मीडियम पेसर्स को। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, कवर्स में खेलकर 1 रन पूरा कर लिया 22-3 विकेटों के नुकसान पर। स्पिनर्स ने आज विकेट्स हासिल किए, और स्पिनर्स ने विकेट्स हासिल किए बोल्ड स्टंपिंग इस तरह से आउट किए, और इस पिच से, दक्षिण अफ्रीका की पिच है, दक्षिण अफ्रीका की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए होती है, लेकिन यहां स्पिनर्स का बोल बाला। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर लूस ने कट करने की कोशिश की, पॉइंट पर गेंद को खेला। कप्तान साहिबा को यह पता है कि अब उनको तो क्रीज पर रुकना ही होगा अगर इस लक्ष्य को भेदना है, जीतना है श्रृंखला में, इस फाइनल मुकाबले को जीतकर ट्रॉफी उठानी है, तो उन्हें खड़ा रहना होगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से
और इस गेंद को स्वीप करना चाह रही थी। गेंद टर्न लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर पहुंची विकेटकीपर के दस्ताने में। बेहद उम्दा ओवर राजेश्वरी गायकवाड़ का। अभी जिक्र हो रहा था कि इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दूसरे ही ओवर में एक विकेट ली और दक्षिण अफ्रीका 7 ओवर्स के बाद मात्र 22 रन और 3 विकेटों के नुकसान पर। दक्षिण अफ्रीका 110 रनों के ताकुब में 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 ओवर्स के बाद 22 रन बनाने में कामयाब, लेकिन 3 विकेटें आउट हो चुकी हैं। मुश्किल से जूझ रही है दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम। भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस लिया है, दबाव बना लिया है और इस वक्त इस मुकाबले में एक के बाद एक ताबूत पर कीले ठोकने की कोशिश करती हुई भारतीय गेंदबाजी। और अब आ गई है गेंदबाजी करने के लिए राधा, बिल्कुल राधा यादव तो नहीं है, वैद्या आ गई हैं संभवतः गेंदबाजी करने के लिए। देविका वैद्या पूरा नाम, शुक्रिया इकबाल। पहली गेंद और काफी छोटी गेंद थी लेग स्टंप की लाइन में। ये तो किस्मत अच्छी कि डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद था बाउंड्री पर। कहां पर यह गेंद टप्पा खाई, उठी भी नहीं ज्यादा और बाल बाल बची। किस्मत अच्छी रही कि सिर्फ एक रन मिलता हुआ। 5 मुकाबलों में 2 विकेटें, 7.62 का इकोनॉमी, तो थोड़ा रन पड़े हैं इनको। 23 का औसत रहा है इस श्रृंखला में। और देविका वैद्या लेफ्ट आर्म बल्कि राइट आर्म एक मिस्ट्री गेंदबाज के तौर पर भारतीय गेंदबाजी में शामिल होती हैं। इस बार थोड़ी सी ऊपर की गेंद थी, डीप मिड विकेट पर फिर से फील्डर को मेहनत करनी पड़ी। एक बार फिर से सिंगल मिलता हुआ। पहली दो गेंदें मौका दिया है बल्लेबाज को कि वो इत्मीनान से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल करें, ऑन साइड में खेलें और एक एक रन हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान के समक्ष ये भी चुनौती होगी कि जो ये एक एक रन आते हैं इनको भी रोका जाए ताकि दबाव पूरी तरह से बने। इस बार लॉफ्ट किया, कवर्स के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट खेला ट्रायन ने, ऑफ स्टंप के बाहर देख लिया था फ्लाइट को और गेंद की लंबाई तक पहुंची, लॉफ्ट किया, कवर्स के ऊपर गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 2 टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए एक अहम बाउंड्री आती हुई। 7.3 ओवर्स के बाद स्कोर 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की चौथी गेंद के साथ चलेंगी देविका वैद्या। अभी तक इस ओवर में आकर उन्होंने रन लीक किए हैं, थोड़ा सा दबाव कम हुआ है दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी का। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से काफी शॉर्ट गेंद और एक बार फिर से प्रहार और एक बार फिर से बाउंड्री। यह महंगा ओवर जाता हुआ देविका वैद्या का। दक्षिण अफ्रीका 32, 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदें हुई हैं एक बाल और इस ओवर से 10 रन आ चुके हैं। महंगा ओवर इस वक्त देविका वैद्या का। थोड़ा सा नियंत्रण जरूर दिखाना होगा देविका वैद्या को अपनी गेंदबाजी पर। जिस प्रकार से धुलाई इस वक्त हुई है उनकी गेंदबाजी की, ये भारतीय टीम के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। देविका वैद्या इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ, ट्रायन आते ही बहुत आक्रामक तेवर के साथ बैटिंग कर रही हैं। 4 गेंदों पर उन्होंने 10 रन बना लिए हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार होती हुई वैद्या, भारत को लगातार विकेट चटकाना होगा। अगली गेंद और इस बार डॉट डिलीवरी, बढ़िया गेंद देविका वैद्या की। ऑफ स्टंप के सामने की गेंद को ड्राइव जरूर किया था लेकिन सीधे एक्स्ट्रा कवर पर खड़ी कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास गेंद पहुंची, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 32, 3 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका। 8वां ओवर चल रहा है, देविका वैद्या चली इस ओवर की अगली गेंद और इस बार दिशाहीन गेंद। इस चीज से बचना होगा, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन दक्षिण अफ्रीका को। फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर निकली और अंपायर ने दोनों बाहों को जमीन के समानांतर फैलाते हुए वाइड करार दिया। देविका वैद्या आज अपने पहले ही ओवर में महंगी साबित हुई हैं, 11 रन दे चुकी हैं अब तक एक वाइड के सहारे। 2 चौके भी लगे हैं और 2 सिंगल्स आए हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर जाकर के बातचीत कर रही हैं इस वक्त देविका वैद्या से और अब आखिरी गेंद के लिए तैयार। ये गेंद और इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद गई है फील्डर के पास लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाई और इस तरह से ओवर समाप्त हुआ 8वां। 8 ओवरों के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका विमेंस का। जब हरमनप्रीत कौर और देविका वैद्या बातचीत कर रही थी आपस में, अंपायर ने कहा कि आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए, समय बर्बाद यूं ना किया करिए। और मुझे ये समझ नहीं आया आसिम कि इसमें ऐसा कोई बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला तो है नहीं कि इस मुकाबले में पहले ही बहुत ज्यादा समय लग चुका हो। अंपायर को कहीं शादीवादी में किसी के जाना तो नहीं है शाम आज,
लगता है कहीं दावत मिली अंपायर साहब को। फिलहाल 9 ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। 34-3 दक्षिण अफ्रीका। भारत ने 110 रन का लक्ष्य दिया इस मुकाबले में। एक विकेट दीप्ति को, एक विकेट गायकवाड़ को और एक विकेट स्नेह राणा को मिला है। लेकिन 3 ओवर की गेंदबाजी दीप्ति शर्मा कर चुकी हैं। अब उनके पास सिर्फ 1 ओवर है। जो तुरुप का इक्का है दीप्ति शर्मा, उनको अब हटा लिया गया है और इस वक्त ठाकुर आ गई हैं गेंदबाजी करने के लिए। रेणुका सिंह ठाकुर, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। 26वां मुकाबला, 23 विकेटें, 4 विकेट, 10 रन देकर के इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में। नॉर्मली ये गेंदबाजी के आक्रमण की शुरुआत करती हैं, लेकिन आज काफी देर बाद 9 ओवर में गेंदबाजी मिली है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के सामने, इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं वहां बल्लेबाज ट्रायन के पास। ट्रायन इस वक्त 11-7 गेंदों का सामना करने के बाद खेल रही हैं और सुनेल उस टीम के कप्तान 7 गेंदों पर 6 रन बना करके बल्लेबाजी करती हुई। रेणुका सिंह ठाकुर इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश खड़े खड़े। किस्मत वाली रही ट्रायन की, गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया और स्टंप के बेहद पास से गेंद गुजरी विकेट कीपर के ग्लव्स में, बाल बाल बचती हुई ट्रायन, और इस तरह से कोई रन नहीं। डॉट डिलीवरी रेणुका ठाकुर के द्वारा। एक बार फिर से रेणुका इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने होंगी बल्लेबाज ट्रायन। ये गेंद, और इस बार ट्रायन ने इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन सीधे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास, कोई रन नहीं। एक बार फिर से बढ़िया कसी हुई गेंदबाजी। रेणुका ठाकुर सिंह लगातार कसावट भरी गेंदबाजी कर रही है और इस कसावट भरी गेंदबाजी के सामने थोड़ी मुश्किल में जरूर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज नजर आते हुए, और अब दोनों बल्लेबाजों ने जाकर के आपस में पिच के बीचों बीच कोई बातचीत की है। और इधर रेणुका ठाकुर सिंह से आकर के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी कुछ बातचीत की है। फ्लड लाइट्स इस वक्त जला दी गई हैं, काले बादल आसमान पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है। आसमान कुछ इलाकों में खाली भी है लेकिन कुछ इलाकों में आसमान में बादल भी जरूर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद, और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद थी, पढ़ लिया, इस गेंद को पुल कर दिया, गेंद गई मिड विकेट की दिशा में, सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब दक्षिण अफ्रीका का 35-3 विकेट के नुकसान पर। आप सभी दोस्तों से गुजारिश कि दोस्तों जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इकबाल स्पोर्ट्स हमारे चैनल का नाम, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जब सब्सक्राइब का बटन दबाएं दोस्तों तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज 80,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं आप लोगों को और सिर्फ अब 850 सब्सक्राइबर्स चाहिए 80,000 का आंकड़ा छूने के लिए, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करके बन जाइए इकबाल स्पोर्ट्स फैमिली का हिस्सा। अगली गेंद, डॉट डिलीवरी, 35-3 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर है। इस वक्त ट्रायन खेलती हुई 12 रन बनाकर, सुनील उस 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं। काफी संख्या में इस वक्त हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वेमेन्स क्रिकेट को हम लगातार उसी तरजीह के साथ, उसी प्रेफरेंस के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं और उसके में उसमें आप लोगों ने साथ निभाया है। अगली गेंद को ड्राइव करके सिंगल बहुत तेजी के साथ पूरा किया, एक अतिरिक्त रन जहां पर नहीं था वो रन पूरा कर लिया 9 ओवर के बाद। 36-3 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका। ट्रायन 12 पर, सुनेलुस 7 रन बनाकर और रेणुका ठाकुर ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए। तो आप सभी ने जिस प्रकार से महिला क्रिकेट को भी हमने एक प्रथा शुरू की, एक चलन शुरुआत की, यूट्यूब पे आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि महिला क्रिकेट की कमेंट्री आपको इस कदर मिलती रही होगी, लेकिन हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो महिला सीरीज, महिलाओं की जो सीरीज हुई, उससे एक सिलसिला शुरू किया कमेंट्री का। और अब देखिए काफी सारे लोग भी इससे इंस्पायर हैं और कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। महिलाओं के क्रिकेट को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और महिलाओं को क्रिकेट को आगे बढ़ते देख करके खुशी हो रही है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्वीप कर दिया, गेंद जा रही है काफी फाइन लेग की दिशा में, गेंद क्या लुढ़कती हुई रुक जाएगी, जी नहीं, गेंद जाकर बाउंड्री रोप से आखिरकार टकरा गई। 4 रन का इशारा अंपायर का और सुने लो उसके बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका। सुनेलुस इस चौके की मदद से पहुंची 11 की रन संख्या पर और स्कोर दक्षिण अफ्रीका का 40 अब 3 विकेटों के नुकसान पर।
तो आप सभी दोस्तों से हम इसी प्रकार से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। दोस्तों, महिला क्रिकेट भारतीय टीम की काफी अच्छी पिछले कुछ दिनों से हमने देखी है और अब तो महिलाओं की आईपीएल भी होने वाली है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए हमारा चैनल, वहां पर महिला क्रिकेट के आईपीएल का भी मजा आपको मिलेगा इकबाल स्पोर्ट्स पर। नए ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, सिंगल तेजी के साथ पूरा कर लिया और इसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब दक्षिण अफ्रीका का 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राजेश्वरी गायकवाड़ अपना तीसरा ओवर डाल रही हैं, अब तक उन्होंने 15 रन खर्च किए हैं और एक सफलता उन्होंने प्राप्त की है। 10वां ओवर चलता हुआ यह मुकाबला अब काफी रोमांचक हो चुका है। लूस बल्लेबाजी कर रही हैं, कप्तान हैं और इस बीच अगले ओवर की, बल्कि गायकवाड़ के इसी ओवर की तीसरी गेंद आती हुई, ड्राइव किया, कोई रन नहीं मिलेगा, 110 रनों का लक्ष्य। 10वां ओवर चल रहा है और इस ओवर के बाद 10 ओवर्स की गेंदबाजी आनी है। टोटल अभी 63 गेंदें आनी हैं इस मुकाबले में और जीतने के लिए, ये मैच जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार, राजेश्वरी गायकवाड़। 3 विकेटें गिनी हैं दक्षिण अफ्रीका की, लेकिन कप्तान लूस ने 20 रनों की साझेदारी खड़ी कर ली है और लगातार इस मुकाबले को लेकर ये सवाल बना हुआ है कि ये जो मुसलसल जो एक तरह से व्यवधान पैदा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक बार फिर से आ गई हैं फिजियोथेरेपिस्ट आ गई हैं और हरमनप्रीत कौर के कंधे में तकलीफ थी, तो जो 10 ओवर्स के बाद मुझे लगता है ब्रेक होने वाला था, वो ब्रेक 10वें ओवर में ही ले लिया गया है और कंधे में कुछ तकलीफ उसको सही करती हुई, और इसी दौरान दक्षिण अफ्रीकी खेमे से भी खिलाड़ी आ गए हैं कुछ जलपान लेकर, तो अल्पाहार लिया जा रहा है। 41-3 10वां ओवर चल रहा है और इकबाल स्पोर्ट्स सुनने वाले तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद मिस्टर है, फुल स्कोर कार्ड भी आप देख लीजिए, आपके अपने स्कोर कार्ड को हम इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं स्क्रीन पर। ये रहा स्कोर कार्ड दोस्तों, आप ज़रूर देखें कि किस तरह से अभी तक बल्लेबाजी चली है। फुल स्कोर कार्ड इस वक्त पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यकीनन रवि रंजन कुमार जो हैं कह रहे हैं कि आउट नहीं होगा तो मैच मुश्किल है। द राहुल रोचलानी शो कहते हैं कि वो भी शामिल हैं और शॉर्ट्स भी हैं। मुजम्मिल मंसूरी हैं, इंडिया आज हार जाएगी, स्कोर काफ़ी कम है भाई। शैलेश चौहान कहते हैं इंडिया का 10 ओवर में क्या स्कोर था ये ज़रूर बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे। मोहम्मद मिस्टर हैं, नारायण बलाई हैं हमारे साथ और शेखर जी हैं, काजल हैं, सॉरी खाना खाने के लिए गई थी। बिल्कुल, इसमें सॉरी की क्या बात है, खाना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, रात के वक्त खाना खाया जाता है। हमारे जैसे कुछ दीवाने हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं और खाना पीना भूल चुके हैं। प्लीज़ इस वक्त इंडिया के सामने विकटें गिरवा दीजिए। सुजौली कहते हैं कि इंडिया के 10 ओवर्स में क्या स्कोर था, बल्कि शैलेश चौहान, सुजौली नाम उनका पूरा, बहुत सुंदर कमेंट्री चल रही है। नागेश्वर मिश्रा कह रहे हैं सुंदर कमेंट्री तो चल रही है, चलिए हमने आपकी बात मान ली दोस्तों, लेकिन वीडियो पर लाइक्स की संख्या काफी कम नजर आ रही है। काफी संख्या में इस वक्त हमारे दोस्त जो है सुन रहे हैं, लेकिन ये जो लाइक्स वाला कॉलम है वो सुंदर नजर नहीं आ रहा है, बहुत कम लाइक्स हैं। तो आप लोग लाइक तो कर दीजिए, चैट बॉक्स को हटाइए थोड़ी देर के लिए, जो मैसेज वाला बॉक्स है उसको हटा दीजिए और लाइक वहां पर वीडियो पर दिख जाएगा, आपको लाइक कर दीजिए और बगल में सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दीजिए। खेल शुरू हो चुका है, 45-3 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका। अगली गेंद को ऑन साइड में खेला, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन और इस एक रन के साथ स्कोर 46 रन दक्षिण अफ्रीका की टीम का 3 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल सुनेलुस और साथ में उनके बल्लेबाजी कर रही हैं ट्रायन, आखिरी गेंद डॉट डिलीवरी और इसके साथ ही 10वां ओवर पारी का समाप्त हुआ। 10 ओवर के बाद 46-3 यह है दक्षिण अफ्रीका का स्कोर। ट्रायन 17-13 गेंदों का सामना करने के बाद और सुनेलुस इस वक्त बल्लेबाजी कर रही हैं 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर। राजेश्वरी गायकवाड़ 3 ओवर 20 रन और एक सफलता उन्होंने प्राप्त की है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, आप लोग लगातार अपना प्यार बनाए रखें। जी हाँ, प्यार बांटते चलिए और प्यार बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता ही है। मोहतशिम अख्तर हैं, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई और आसिम भाई, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। अभिषेक चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैदान की जो फ्लड लाइट्स हैं, जो टावर्स लगे हुए हैं,
जिन्हें इकबाल कहते हैं कृत्रिम प्रकाश जो है वो इस वक्त मैदान पर पड़ रहा है और यकीनन फ्लड लाइट्स के नीचे इस मुकाबले को और रोमांचक होते हुए आप सुनेंगे, हम देखेंगे। 10 ओवर्स के बाद 46, भारत ने 10 ओवर्स के बाद 43 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, तो दक्षिण अफ्रीका ने 3-4 रन जरूर ज्यादा बनाए हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीका की 1 विकेट भी ज्यादा गिरी है। अगले ओवर की शुरुआत की है ठाकुर ने। इस बीच रेणुका सिंह ठाकुर भारत की मध्यम गति की तेज गेंदबाज, पहली गेंद पर 1 रन दिया। ट्रायन जिस माइंडसेट से खेल रही हैं, जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रही हैं, भारत को बड़े जल्दी उनकी विकेट निकालनी होगी। ओवर की दूसरी गेंद के साथ दौड़ती हुई ठाकुर इस बार क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद हवा में, कैच होगा और यहां पर विकेट। बहुत ही जबरदस्त विकेट हासिल कर ली है रेणुका सिंह ठाकुर ने। लूज आउट हो गई है, काफी लूज शॉट खेला था लूज ने और कप्तान इस वक्त सवालों के घेरे में। ऑफ स्टंप के बाहर आउट स्विंगिंग डिलीवरी थी, गेंद का इरादा था घूमते हुए लहराते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में जाने का, लेकिन बल्लेबाज ने जिस तरह से बल्ला चलाया, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को लेती हुई छूती हुई चली गई ऑफ साइड में और कवर्स में एक आसान सा कैच। बड़ी विकेट हासिल हो गई है भारत को, 47 पर 4 हो गया है दक्षिण अफ्रीका का स्कोर। ऐसे वक्त में जब ऐसा लग रहा था कि एक पार्टनरशिप भारत के लिए चिंता का कारण बन रहा है, निश्चित तौर पर यह विकेट बढ़िया रहा। रामू आर्या का कमेंट है अभी कि कैसे सब्सक्राइब करें, यह कमेंट हमारे लिए एक अब आम सी बात हो गई है और हम बताते भी रहते हैं दोस्तों। अगर आप मोबाइल फोन पर सुन रहे हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप कमेंट्री सुन रहे हैं, मैसेज बॉक्स चल रहा है, जो मैसेजेस लोग टाइप करते हैं, जो हम पढ़ते हैं आपको सुनाते हैं, कोने पर देखेंगे उस मैसेज बॉक्स के एक क्रॉस बना होगा, उस क्रॉस पर एक बार क्लिक कर दीजिए तो वो कट हो जाएगा, या फिर बैक वाली बटन, पीछे जाने वाली बटन जो मोबाइल में है वो उसको दबा दीजिए। उसके बाद इकबाल स्पोर्ट्स की बगल में लिखा होगा सब्सक्राइब, वो आपको कहेगा कि हमें दबा दीजिए, सब्सक्राइब को दबा दीजिएगा तो हो जाएगा सब्सक्राइब। इस बीच लेग स्टंप के बाहर क्या यहां पर रन आउट की कोशिश, हो विकेटों में गेंद आई नहीं, बाल बाल बच गई। यस्तिका भाटिया ने सीधा विकेटों में थ्रो मार दिया था लेकिन गेंद विकेटों में आई नहीं। और क्या यहां पर जो बल्लेबाज हैं उनके सर पर चोट लगी है, थ्रो जो आया, जी थ्रो लगी और अंपायर इतने चपल हैं, इतने तेज हैं कि फौरन इशारा किया कि भेजिए फिजियो को कंकशन टेस्ट के लिए। तो बहुत तेजी दिखाते हुए अंपायर और कंकशन टेस्ट इस वक्त काफी तेजी से फिजियो दौड़ते हुए भी आए, स्प्रिंटर हैं फिजियो, दौड़ते हुए आए और देखा, उन्होंने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है, गेंद अगर विकेटों में आती तो हो सकता है कि 2 गेंदों पर 2 विकेटें मिल जाती भारत को। ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार डेक्सन को लेकर इकबाल जो है वो बड़ी जबरदस्त राय रखते हैं, उनका मानना है कि खतरनाक बल्लेबाज हैं। इस बार लेग स्टंप की लाइन, गेंद पैड पे टकराई और गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन थोड़ी रफ्तार थी ठाकुर के पास। जी हाँ, डेक्सन के बारे में जिक्र ही क्यों करें, देख लीजिए आप स्क्रीन पर उनके आंकड़े, उनकी चमकती हुई शक्ल और उनके साथ उनके आंकड़े भी हैं। इनके बारे में बहुत फेमस है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आई हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेली हैं, आज मौका है फाइनल मुकाबले में। और इस बार सीधा गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकरा कर पैड्स में आती हुई, तो ठाकुर ने अच्छी रफ्तार हासिल की है रेणुका सिंह ठाकुर ने। बढ़िया ओवर, 1 रन दिया, 1 विकेट हासिल किया, 47-4 विकेटों के नुकसान पर। तो आंकड़े आपने देख लिए, आंकड़े अभी कुछ खास है नहीं, अभी पहला रन अर्जित करना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन इस मुकाबले में भारत ने जो गिरफ्त बनाई है इसे ढीला नहीं करना होगा। क्या बढ़िया वापसी की है भारत ने, मात्र 109 रन बनाए, अब 47 पर 4 है दक्षिण अफ्रीका। ओवर की अंतिम गेंद के साथ चली ठाकुर, इस बार धीमी गेंद थी लेग स्टंप की लाइन में और बहुत इंतजार करने के बाद गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग की तरफ और 1 रन लेने का मौका, जब तक राजेश्वरी गायकवाड़ गेंद को थ्रो करेंगी। ओवर फिनिश होता हुआ 11 ओवर्स के बाद दक्षिण अफ्रीका 48-4 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट भी अब तकरीबन 7 रन प्रति ओवर हो चुका है और दक्षिण अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा बल्लेबाजी भी आने वाली नहीं है।
तो भारत के पास ये मौका बेहतर है एक विकेट ट्रायन की आउट कर पूरी तरह से जो लोअर ऑर्डर है उसमें घुस जाए भारतीय गेंदबाजी और दक्षिण अफ्रीका को मात देने का बढ़िया मौका इस फाइनल मुकाबले में। आज भारत ने क्या शुरुआत की थी, 3 ओवर में 1 रन था एक विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर में 2 मेडन ओवर थे शुरुआत के, और इस वक्त भारत की जो बल्लेबाजी चल रही, गेंदबाजी जो चल रही है बहुत ही उम्दा चल रही है। सुखदेव गिरधर कहते हैं सर मेरा भी नाम ले लीजिए, आपका नाम ले लिया गया है, और महदा सिंह भी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, नदीम बाबर हैं, नदीम अंसारी, शैलेश चौहान हैं, और प्रेम अधिकारी मोहम्मद आमिर के साथ साथ अमरनाथ भी हैं हमारे साथ, दीपक जहांगीर भी हैं, क्या कहने है? और इस वक्त अगले ओवर की शुरुआत, एक और मीडियम पेसर, काफ़ी अच्छी रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, पूजा वस्त्राकर, 3 मुकाबले 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेटें उनके हाथ अभी तक लगी हैं, 4.75 का इकोनॉमी रेट, बढ़िया गेंदबाज, बहुत फिट खिलाड़ी पूजा वस्त्राकर, और इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्या स्लिप लेकर चलेंगी, फील्डिंग की अगर बात की जाए तो विकेटकीपर इस वक्त गेंदबाज और कप्तान से बातचीत कर रही हैं, और अब वस्त्राकर अपने गेंदबाजी के निशान की तरफ बढ़ चुकी हैं। क्या गेंदबाजी इस ओवर की आने वाली है, इंडिया टाइम एंड साउथ अफ्रीका टाइम अभी बताते रहिए, अलशाद कहते हैं हमसे, बिल्कुल भारत में तो इस वक्त शाम के 8:50 हो रहे हैं, शाम ढल रही है भारत में, और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो वहां पर शाम के 5:20 हो रहे हैं। इस बीच अगले ओवर की शुरुआत हो रही है, वस्त्राकर पहली गेंद, मीडियम पेसर हैं, चलिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, कोई स्लिप नहीं है, पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन, ड्राइव कर दिया, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, कोई रन नहीं मिलेगा। भारत के गेंदबाजों का एक निशाना यह भी है कि रन न दिए जाए, दबाव बनाया जाए, और दबाव में विकेटें आती हैं ये भी पता है। आज हरमनप्रीत कौर इस ट्राइंगुलर सीरीज, इस त्रिकोणीय श्रृंखला की ट्रॉफी उठाने के लिए मशक्कत करती हुई, जद्दोजहद करती हुई, अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ वकअप करती हुई, उनका प्रोत्साहन बढ़ाती हुई लगातार मिडॉन पर खड़ी हैं, और पूजा 34 नंबर की जर्सी पहने हुए दौड़ना शुरू करेंगी अपनी बॉलिंग के निशान से। सामने बल्लेबाज तैयार, डायरेक्शन इस बार पैड्स में टकराई गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी, काफी तेज गेंद थी, बीट हुई पेस से, और लेग बाई के रूप में बल्कि ओवर थ्रो के रूप में एक रन आएगा जहां कोई रन नहीं था, और दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लेंगी बल्लेबाज, एक उम्दा गेंदबाज, बढ़िया गेंद पैड में टकराई, अपील हुई, लेकिन फील्डर मौजूद थी जेमाइमा रोड्रिगेस, थोड़ी अति उत्साह दिखाती हुई, और इकबाल कहते हैं कि उन्होंने नोट किया कई बार रोड्रिगेस जो हैं पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट से ये काम बहुत करती हैं, बहुत तेज थ्रो कर देती हैं, और थोड़ी हाइपर एक्टिव नजर आ रही हैं जेमाइमा रोड्रिगेस, अच्छी बात है, लेकिन संयम बरकरार रखना चाहिए, और ये ओवर थ्रोस के रन कई बार जो है मुश्किल पैदा करते हैं। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को खेल दिया मिडॉन की तरफ, एक रन तेजी से पूरा किया, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश, दीप्ति शर्मा का थ्रो, एक ही रन मिलता रहेगा। 12वां ओवर, थोड़ी सी रफ्तार रनों की बढ़ाने की कोशिश, इस ओवर से 3 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर, यह 12वां ओवर चल रहा है, ओवर की 3 गेंदें आई हैं, अब 59 रनों की जरूरत है 51 गेंदों में, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चलता हुआ। स्ट्राइक पर ट्रायन, 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर, सामने पूजा दाएं हाथ से दौड़ना शुरू करती हुई तेज गेंदबाज, ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन, ड्राइव कर दिया, बहुत ही उम्दा ड्राइव, लेकिन पीछे स्वीपर कवर मौजूद, और गेंद को थ्रो करेगी राजेश्वरी गायकवाड़, 1 रन लेने का मौका, अच्छा थ्रो विकेटों के ऊपर आता हुआ, पूजा वहां मौजूद थी, रिक्वायर्ड रेट 6.96 रन प्रति ओवर। भारत और दक्षिण अफ्रीका ट्रॉफी के लिए, ट्राइंगुलर सीरीज की ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ती हुई एक दूसरे से, हेलो सर प्लीज मेरा नाम ले लो, इंसान फ्री फायर कहते हैं। इस बीच अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, इस बार बल्ले को लेकर घूमी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद दीप्ति शर्मा, 1 रन लेने का मौका, अच्छा थ्रो। धीरज कुमार कहते हैं कि विकेट चाहिए, राजेंद्र गहतोरी हैं कहते हैं ट्रायन का विकेट चाहिए, यादव कुमार कहते हैं एनके यादव वेरी नाइस परफॉर्मेंस, राजेंद्र जी हैं कहते हैं ग्रेट टीम इंडिया वर्किंग रियली हार्ड। पूजा वस्त्राकर अगली गेंद के साथ इस बार ब्लॉक होल में करने की कोशिश, फुल टॉस बनाकर कवर्स में खेला, तेजी से 1 रन पूरा किया, विकेटों में थ्रो आता हुआ, एक बार फिर से ओवर थ्रो के रूप में 1 रन लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन नॉन स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज डायरेक्शन जो है वो दूसरे रन में बिल्कुल भी
इंटरेस्टेड नहीं थी, हालांकि आराम से दूसरा रन था, गेंद चली गई थी बाउंड्री पर, शायद कुछ दिक्कत हुई है उनको। और इस मुकाबले की जैसी परंपरा रही है आज कि लगातार व्यवधान आता रहा, ब्रेक्स आते रहे हैं इस मैच में। 9 चौके लगाए थे भारत ने आज, दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। नेक एंड नेक बिल्कुल बराबरी की लड़ाई चल रही है इस मैदान पर जिसका नाम है बफेलो पार्क। ईस्ट लंदन है शहर, देवदार के वृक्ष पीछे मैदान के नजर आते हुए, लंबे ऊंचे वृक्ष, फ्लड लाइट्स की रोशनी, हरा भरा मैदान, और विकेट पर जहां पेस एंड बाउंस दिखना चाहिए वहां पर स्पिन का बोलबाला। 13वां ओवर चलता हुआ, ओवर की शुरुआत करेंगी ठाकुर, रेणुका सिंह ठाकुर, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए तेज गेंदबाज हैं ठाकुर। ओवर की शुरुआत चली दाहिने हाथ से, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार सीधा गेंद अंदर की तरफ, एंगल डिलीवरी थी और बैक लेग में पिछले पैर में टकराती हुई ये गेंद, अपील नहीं हुई, कोई रन नहीं मिलेगा। रनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ती हुई, रिक्वायर्ड रेट अब 7 रन से ऊपर, 7.15 रन प्रति ओवर। आप सुन रहे हैं इकबाल स्पोर्ट्स, कमेंट्री में अगर आनंद आ रहा है इकबाल स्पोर्ट्स पर, मोहम्मद इकबाल और आसिम जयराजपुरी, ये हमारी है कमेंट्री की टीम। अगर हमारी मेहनत बढ़िया लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप जुड़ जाइए लगातार कमेंट्री अगर आपको सुननी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे परिवार के मेंबर बन जाइए। इस बीच मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला, 2 रन लेने का मौका। डायरेक्शन जो है वो कुछ दिक्कत में है, वो 2 रन लेते हुए कुछ परेशानी महसूस कर रही हैं। 12.2 ओवर्स के बाद क्या कुछ परेशानी है उनको, क्या कुछ मेडिकल अटेंशन चाहिए या फिर ऐसा नहीं है, वो 2 रन नहीं लेना चाहती। इस मुकाबले में एक बार फिर से तैयार होती हुई बल्लेबाज, ट्राई ऑन, ये गेंद इस बार मिडल स्टंप की लाइन में, ब्लॉक होल में थी, ड्राइव कर दिया, सीधा गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करेंगी हरमनप्रीत कौर, 1 रन लेने का मौका। कौर ने गेंद को थ्रो किया, कप्तान लूज तो आउट हो गई हैं लेकिन ट्राई ऑन की विकेट अब अहम हो गई है भारत के लिए, 57.4 विकेटों के नुकसान पर। रेणुका सिंह ठाकुर का यह 3रा ओवर, 7 रन दिए, 1 विकेट लिया, भारत गेंदबाजी करते हुए। यह 13वां ओवर चलता हुआ, ओवर की चौथी गेंद के साथ ठाकुर इस बार मिडल स्टंप की लाइन, गेंद को लेकर घूमी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस बार डायरेक्शन ने चौका मार दिया और भारत के गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को शॉर्ट पिच गेंद करना पड़ गया महंगा। दक्षिण अफ्रीका 61 विकेटों के नुकसान पर 12.4 ओवर्स के बाद। इकबाल स्पोर्ट्स के तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। आपने पहली बार सुनी है ये कॉमेंट्री तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार मौका दीजिए, सर एक बार मौका दिया जाए कॉमेंट्री का, रेडियो जैसी कॉमेंट्री सुनाएंगे आपको। बिल्कुल सही बात है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद के साथ तैयार और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, ऑन ड्राइव गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवरों के बाद। ट्रायन 23 पर, डायरेक्शन इस वक्त 8 पर खेलती हुई, डायरेक्शन है नाम इनका, डायरेक्शन चलिए ठीक है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद के साथ रेणुका ठाकुर सिंह दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार पुल किया इस गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास और गेंद दन दन आती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। रेणुका ठाकुर सिंह का यह महंगा ओवर, 12 रन आए इस ओवर से और 13 ओवरों के बाद स्कोर है इस वक्त दक्षिण अफ्रीका का 66 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत महंगा ओवर ये रेणुका ठाकुर सिंह का। और अब अगर रनों की बात करें तो 44 रन चाहिए और 42 गेंदें बची हुई हैं, तो भारत को अब ये पार्टनरशिप तोड़नी होगी, ये साझेदारी तोड़नी होगी। साझेदारी की बात करें अगर तो इस वक्त 19 रनों की साझेदारी हुई है 5वें विकेट के लिए 16 गेंदों पर डायरेक्शन और ट्रायन के बीच में। आप सभी दोस्तों का स्वागत, अभिनंदन।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ट्यून इन करने के लिए। यूट्यूब पर आपने ढूंढ कर निकाला है हमारा चैनल इकबाल स्पोर्ट्स। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और 80,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा बस पूरा ही होने वाला है। चंद सब्सक्राइबर्स की जरूरत है दोस्तों, 50 के आसपास सब्सक्राइबर की जरूरत है। तो आप लोग फटाफट से उस सफर का, उस माइलस्टोन का, 80,000 का जो एक आंकड़ा होता है उसका साक्षी बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवा में लहरा गई है, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे और इसके साथ ही आउट। स्नेह राणा ने आते ही भारत को सफलता दिला दी, वो सफलता जिसकी सख्त आवश्यकता थी भारत को। डायरेक्शन 6 रन बना करके पवेलियन की डायरेक्शन में चलती हुई, और भारत ने यह 5वां शिकार कर लिया, कॉट इन बोल्ड कर दिया स्नेह राणा ने डायरेक्शन को, 66 पर यह 5वां झटका दक्षिण अफ्रीका को। तो मुकाबला अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एब्सोल्युटली पिक्चर अभी बाकी है, और ये विकेट गिरते ही दक्षिण अफ्रीका के लोअर ऑर्डर में घुस चुकी है भारतीय टीम। अंतिम बंकर है ये, अगर इस बंकर को भी उड़ा देती है भारतीय गेंदबाजी तो यकीनन आज ट्रॉफी हो जाएगी भारत के नाम। सारा का कमेंट है कि पहले क्या रेडियो में कमेंट्री करते थे, रेडियो, टीवी, यूट्यूब और जो भी माध्यम है, इंटरनेट, वेब पोर्टल, मोबाइल कमेंट्री। इकबाल की कमेंट्री की अगर मैं बात करूं, मैं तो इकबाल ही मुझे खींच के ले आए कमेंट्री में, वो एक बड़ी कहानी है। इकबाल मोबाइल कमेंट्री जो शुरू हुई, तो इकबाल वो फाउंडिंग कमेंटेटर्स में से हैं जिन्होंने शुरुआत की थी मोबाइल कमेंट्री की, और ESPN ने शुरू की थी वो कमेंट्री, और उसको मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं 67-5 विकेटों के नुकसान पर। तो हर प्लेटफॉर्म पर कॉमेंट्री की है, और हर प्लेटफॉर्म पर यूं ही जान लगा कर, दिल लगा कर कॉमेंट्री की है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। शंकर राम है, जय भीम इंडिया, बिल्कुल जी, 67-5 विकेटों के नुकसान पर 14वां ओवर चलता हुआ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करते रहिए अगर पहली बार कॉमेंट्री सुनने। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड ऑन पर फील्डर मौजूद नहीं, दीप्ति ने जब तक गेंद को थ्रो किया एक रन लेने का मौका। बराबरी की लड़ाई चलती हुई, ऊंट किस करवट बैठेगा, हर कदम पर, हर लम्हे पर धड़कने बढ़ रही हैं, हर दिशा में, हर दशा में एक तरह से रोमांच भरता हुआ, थ्रिल भरता हुआ, मिस्ट्री भरती हुई कि इस मुकाबले का क्लाइमेक्स होगा तो क्या होगा, क्या है स्क्रिप्ट, किसी को अंदाजा नहीं है। भारत ने 68 पर 5 विकेटें जरूर हासिल कर ली हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका भी कोशिश करने में कोई कोताही नहीं करेगा। स्नेह राणा बढ़िया गेंदबाजी, अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से कट करने की कोशिश, बीट हो गई, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। उम्दा गेंदबाजी, बहुत सटीक जगह पर पहले ओवर से, पहली गेंद से टप्पा खिलाया है गेंदबाज स्नेह राणा ने, और आज उनका जो एडिशन हुआ है शिखा पांडे की जगह पर, वो निश्चित तौर पर बहुत उम्दा हुआ है, बहुत ही बढ़िया एडिशन रहा है। ओवर की अगली गेंद के साथ दौड़ती हुई, बल्कि हल्के हाथों से इस गेंद को डिलीवर किया, पॉइंट पर तेजी से दौड़ लगाई फील्डर ने, कोई रन नहीं मिलेगा। इस ओवर ने एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका को दबाव मिला दिया है, एक तो विकेट गई और उसके बाद से 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने हैं अंतिम गेंद के साथ। स्नेह राणा तैयार, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, 80,000 के पार हम पहुंच चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। इस बीच ऑफ स्टंप की लाइन, अंतिम गेंद को पंच किया कवर्स में और कोई रन नहीं मिलेगा। क्या बढ़िया ओवर लेकर आई राणा, एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया, सिर्फ 2 रन दिया और ओवर यहां पर फिनिश कर लिया। 14 ओवर्स की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है, अब 36 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त लड़ाई, T20 मुकाबले जिस तरह के होने चाहिए उस तरफ बढ़ता हुआ, कदम ताल करता हुआ, गामजन होता हुआ ये मुकाबला। बिल्कुल, काफी रोमांचक ये मुकाबला हो चला है, और यकीनन ये मैच एक अल्टीमेट थ्रिल की तरफ जा रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त रोमांच की तरफ जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला। और इस वक्त हमारे साथ इकबाल स्पोर्ट्स पर 25,000 से ज़्यादा हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया, बॉटम ऑफ हार्ट से शुक्रिया, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
फिलहाल नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद वस्त्राकर की और इस पहली गेंद को कट किया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की दिशा में, पीछे फील्डर है लेकिन नहीं रुकी गेंद और गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। बढ़िया करारा स्ट्रोक निकलता हुआ ट्रायन के बल्ले से और इस वक्त भारत की जीत में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनती हुई ट्रायन 32 पर 22 गेंदों का सामना करने के बाद। इकबाल, ये तो साफ हो गया इस मुकाबले में कि ये मुकाबला मीडियम पेसर्स का है ही नहीं, आती हैं और चौके पड़ जाते हैं उनको। बिल्कुल सही बात है, आज स्पिनर्स ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है दोनों टीमों की तरफ से वो काफी लाजवाब रहा है। इस ओवर की अगली गेंद वस्त्राकर की और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया कलाइयों का उपयोग करते हुए, बहुत ही बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल, दो रन कम से कम मिल पाएंगे वहां। जी हां, दूसरा रन भी पलट कर पूरा कर लिया। इन दो रनों के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अब बढ़ता हुआ 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले पर अपना पकड़ बनाती चली जा रही है और इस पकड़ के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, वो है ट्रायन, जिन्होंने 23 गेंदों पर 34 रन बना लिए हैं। क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया उन्होंने पिछली गेंद पर, बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला। जिस प्रकार की कलाइयों का इस्तेमाल मोहम्मद अजहरुद्दीन और वीवीएस लक्ष्मण किया करते थे, वही कलाई का इस्तेमाल हमने इस बार देखा ट्रायन के द्वारा। इस ओवर की अब तीसरी गेंद के साथ तैयार होती हुई गेंदबाज पूजा वस्त्रकर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट फुलर लेंथ की गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में, एक रन तेजी के साथ पूरा कर लिया जब तक दीप्ति शर्मा थर्ड मैन से आकर के गेंद को फील्ड कर पाती और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब दक्षिण अफ्रीका का 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लगातार भारत के लिए अब चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं, गेंद और रन के बीच में फासला बहुत ज्यादा नहीं है, 36 रन चाहिए बल्कि 35 रन चाहिए, 33 गेंदें बची हुई हैं। तो भारत को अगर कोई एक चीज मुकाबला जिता सकता है वो है विकेट, विकेट और सिर्फ विकेट। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद गई है स्वीपर कवर की दिशा में, इस बार एक रन मिलेगा डायरेक्शन को और डिक्लार्क को। दरअसल एक रन के साथ डिक्लार्क पहुंची अब 2 की रन संख्या पर और दक्षिण अफ्रीका 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत को 109 रन पर रोक दिया था और अब दक्षिण अफ्रीका 110 रन का पीछा करते हुए 76 रन बना चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। पूजा वस्त्रकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद फुल लेंथ की डिलीवरी, ड्राइव किया, सीधा गेंद जा रही है साइड स्क्रीन की दिशा में, गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका ट्रायसन के बल्ले से निकलता हुआ। ट्रायसन ने आज इस मुकाबले में भारतीय टीम से लगभग ये मुकाबला छीनने की कोशिश की है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इस ओवर की आखिरी गेंद पूजा वस्त्रकर की और इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, इस गेंद को ऑन साइड में फ्लिक किया, जब तक लॉन्ग लेग बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए भी पलट रही वहां और दूसरा रन भी पलट कर पूरा कर लिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ 15 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 82 5 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें बची हैं 30 रन चाहिए 28। मुकाबला धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है भारतीय टीम के हाथ से। इकबाल, जो मीडियम पेसर्स हैं इससे पहले तीन ओवर, अगर पिछले तीन ओवर्स को देखें तो ठाकुर ने जब गेंदबाजी की थी तो 12 रन दिए थे, उसके बाद स्पिन गेंदबाज ने राणा आई सिर्फ 2 रन दिए 1 विकेट लिया, उसके बाद आई वस्त्राकर जिन्होंने 14 रन दे दिए। तो मीडियम पेसर्स को खेलना इस विकेट पर जो पेस आ रहा है उसको, उसके सामने बैटिंग करना बड़ा आसान है। तो आपको खंगालने होंगे कौन स्पिन गेंदबाजी कर सकता है, अगर आपके पास ऑप्शंस कम हैं तो पार्ट टाइमर से भी गेंदबाजी करानी होगी, अन्यथा ये मैच दक्षिण अफ्रीका लेकर जा रहा है। आप कमेंट्री सुन रहे हैं इकबाल स्पोर्ट्स पर, दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले का मजा ले रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इकबाल स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अगर हासिल करनी है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस वक्त दीप्ति शर्मा, अंतिम ओवर है इनका, कोटे का अंतिम ओवर है और भारत को विकेट्स दिला पाएंगे कि नहीं। बढ़िया कवर ड्राइव, गेंद जाती हुई बाउंड्री पर, डाइव लगाकर गेंद को रोका गया, 1 नहीं 2 रन मिलते हुए दक्षिण अफ्रीका इस वक्त ड्राइविंग सीट में नजर आ रहा है और डी क्लर्क की बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई इस मुकाबले में। और ट्रायन ने जो 41 रन बना लिए हैं, क्या जबरदस्त आज प्रहार किया है
अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को गाइड कर दिया बढ़िया तरीके से, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, दो रन लेने का आसान मौका। और जब तक रेणुका सिंह ठाकुर गेंद को थ्रो करेंगी फिर से दो रन आते हुए। जब भारत की टीम बल्लेबाजी कर रही थी आसिम, ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री पे जहां भी शॉट्स खेल रहे हैं फील्डर मिल रहे थे, और यहां ठीक उल्टा हो रहा है, जहां भी शॉट्स खेल रहे हैं भारतीय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री पर कोई फील्डर है ही नहीं। जी हां बिल्कुल, ये बात तो सही है कि तमाम बढ़िया शॉट्स लग रहे थे भारतीय बल्लेबाजों के और गेंद जा रही थी सीधा फील्डर्स के हाथों में, तो फील्ड पोजीशनिंग को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि कप्तान जो हैं दक्षिण अफ्रीका की वो बेहतर कप्तानी करती रही। और इस वक्त थोड़े से दबाव में, और हरमनप्रीत कौर को कई बार ऐसा देखा गया है कि थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाती हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप की लाइन, और गेंद को सीधे बल्ले से खेला, अपनी ही गेंद पर डाइव लगाई लेकिन एक रन लेने से न रोक सकी दीप्ति शर्मा। 16वां ओवर चल रहा है 87 पांच विकेटों के नुकसान पर, और दीप्ति शर्मा के अंदर वो एक कैप्टेंसी वाला मादा मुझे नजर आता है, काफी कूल हैं और काफी चालाक हैं, बहुत चतुर हैं दीप्ति शर्मा। कई बार आपको चालाकी से काम करना होता है, बहादुरी अच्छी बात है लेकिन चालाकी भी कप्तान को आनी चाहिए। 87 पांच विकेटों के नुकसान पर 16वां ओवर चलता हुआ, और हालांकि ये दोनों ट्रेट एक कप्तान में नहीं हो सकते, बहादुर और चालाक एक साथ होना बहुत मुश्किल है। अगली गेंद के साथ दीप्ति, और इस बार गेंद को हवा में खेला, गेंद हवा में और बाउंड्री के बाहर, 6 रन। भारत ताबूत में कील गाड़ने गया था और ताबूत से लाश जिंदा खड़ी हो गई, कह रही हम जिंदा हैं, और दक्षिण अफ्रीकी दर्शकों में उत्साह नाच गाना शुरू हो गया है, मस्त मौला गास बैंक पर जश्न मनाते हुए दक्षिण अफ्रीकी समर्थक इस मुकाबले का पूरा लुत्फ लेते हुए। और भारतीय गेंदबाज दीप्ति को छक्का पड़ा, मतलब इकबाल बिल्कुल अब लगभग जो है पटाक्षेप हो चुका है इस मुकाबले का, 17 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद दीप्ति की, और इस बार इस गेंद को फ्लिक किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, इस बार सिर्फ 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब दक्षिण अफ्रीका का 94 पांच विकेटों के नुकसान पर। बहुत मुश्किल अब हो गया भारत के लिए ये मुकाबला जीतना, और जैसे ही भारत ने 109 रन बनाए थे उसी वक्त लग रहा था कि भारत ने कुछ कम रन बनाए हैं, कम से कम 20-25 रन भारत ने कम बनाए हैं। यही स्कोर अगर भारत का 140 के करीब होता तो भारत इस मुकाबले में जरूर जीत सकता था, लेकिन अभी भी देखते हैं कि क्या संघर्ष कर पाती भारतीय टीम। एक और सिंगल इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95 पांच विकेट के नुकसान पर। 16वां ओवर इसके साथ ही समाप्त हो गया। ट्रायन खेलती हुई 48 पर, और उन्होंने पासा ही पलट दिया है इस मुकाबले का। ट्रायन ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है 28 गेंदों पर 48 नाबाद रन बना दिए हैं, उन्होंने गेम को ही पलट कर रख दिया है। और आसिम कह रहे हैं कि यह होती है गेम, ये होता है बल्लेबाजी। बलवंत कुमार हमारे साथ हैं, मिस्टर मीर शाहिद जी हमारे साथ हैं, जन्मेजय कुमार जी हमारे साथ हैं, देवेंद्र कुमार मीणा जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, विष्णु कुमार जी हैं, नसीम शेख हैं, और बनवारी राजपूत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस फाइनल मुकाबले का आंखों देखा हाल आपने इकबाल स्पोर्ट्स पर सुना है, सुन रहे हैं, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इकबाल स्पोर्ट्स को, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा दोस्तों, जब सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा। 17वां ओवर शुरू हो रहा है, पहली गेंद राजेश्वरी गायकवाड़ की, लेग स्टंप की गेंद, घुमा दिया इस गेंद को ऑन साइड में, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। 95 पांच विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका, क्या टेल में कोई ट्विस्ट है, क्या अभी भी कोई चमत्कार हो सकता है यहां पर इस मुकाबले में, यह देखना बेहद दिलचस्प होना चाहिए। 17वां ओवर पारी का चल रहा है, राजेश्वरी गायकवाड़ अगली गेंद के साथ, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में स्लॉग किया मिड विकेट की दिशा में, 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब दक्षिण अफ्रीका का 96 रन पांच विकेट के नुकसान पर। भारतीय महिला टीम इस मुकाबले में अब बैकफुट पर नजर आ रही है, और भारत का जीतना थोड़ा अब यहां पर मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। अगली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, एक और सिंगल, और इस सिंगल के साथ दक्षिण अफ्रीका 97 पांच विकेट के नुकसान पर। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 13 रन चाहिए,
और काफी गेंदें बची हुई हैं इन 13 रनों को बनाने के लिए। 21 गेंदें हैं। इस ओवर की अगली गेंद राजेश्वरी गायकवाड़ की फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप के सामने हल्के हाथों से टैप किया, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में तेजी के साथ सिंगल। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और भारतीय टीम के साथ इस वक्त खिलवाड़ होता हुआ पॉइंट पर 30 गज के दायरे के अंदर सॉफ्ट हैंड से खेल करके रन ले लिया। और ये होता है दबाव बनाना और दक्षिण अफ्रीका ने पूरा दबाव बनाया है भारतीय टीम के ऊपर। इस ओवर की पांचवी गेंद के साथ तैयार होती हुई राजेश्वरी गायकवाड़ सामना करेंगी बल्लेबाज ट्रायन। ये गेंद और इस बार ट्रायन ने इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया काउ कॉर्नर के दिशा में। फील्डर जब तक वहां पर पहुंचकर गेंद को उठा पाती एक रन दौड़ करके पूरा किया गया और इस एक रन के साथ स्कोर 99 पांच विकेट के नुकसान पर और इसके साथ ही ट्रायन का अर्धशतक पूरा। 30 गेंदों पर 50 रन बना करके एक जांबाज पारी खेल करके नाबाद है और लगभग ये मुकाबला ट्रायन ने जिता दिया है दक्षिण अफ्रीका को। 99 पांच विकेट के नुकसान पर ट्रायन, जिनका की पूरा नाम जो है वो हम नहीं लेंगे, 99 पांच विकेटों के नुकसान पर और एक सिंगल आता हुआ एक रन दौड़कर पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका में और खासतौर से अफ्रीकी कंट्रीज में कुछ नाम जो हैं वो कई बार दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और अफ्रीकी मुल्कों में कबीलों को लेकर नाम होते हैं, ट्राइब्स को लेकर नाम होते हैं, वो बड़े मुश्किल होते हैं, तो इसलिए हम सरनेम से ही काम चलाते हैं। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है और यकीनन आज हरलीन देओल भी सोच रही होंगी जितनी गेंदों में इस खिलाड़ी ने 50 की थी, 30 गेंदों में 50 किए थे, उसका उलट था हरलीन का स्कोर। 48 गेंदों में 30 रन पर खेल रही थी हरलीन देओल, तो अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर करना होगा। अगर आप पूरा नाम पढ़ना चाहते हैं इस खिलाड़ी का तो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही सीन हो गया इस नाम को लेकर, बहरहाल हम जिक्र करेंगे। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस, गेंद को खेला काउ कॉर्नर की जानिब, गेंद गई 4 या 6 के लिए, चौका लग गया। अब तो बस जख्म पर सिर्फ मरहम लगाने की जरूरत थी लेकिन नमक लगाया जा रहा है। 104 पर 5 दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्री सुननी है, बड़ी जबरदस्त धुआंधार श्रृंखला आने वाली है। इकबाल स्पोर्ट्स लगातार आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला के एक एक दिन, एक एक ओवर, एक एक गेंद, एक एक पल के विवरण के साथ पहुंचेगा आप तक। तो इकबाल स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को कवर्स की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन इस गेंद पर भी एक रन हासिल हो गया। इस मतलब सिंगल्स आर कमिंग एट विल, जहां से भी चाह रहे हैं सिंगल्स ले रहे हैं। अब 6 रन 16 गेंदों में। स्नेह राणा बल्कि देविका वैद्या गेंदबाजी कर रही हैं ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को ड्राइव कर दिया एक रन के लिए 105 पांच विकेटों के नुकसान पर। और निश्चित तौर पर जो इकबाल ने बात कही कि 20 रन जो कम थे वो आखिर में जो दबाव बनता है उन 20 रनों का, वो दबाव नहीं बन सका। आपको रेगुलर विकेटें निकालनी थी, भारत ने निकाली भी 40-45 तक तो आते आते 3-4 विकेटें निकाल ली थी, लेकिन क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं था इसलिए दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ज्यादा दबाव लिया नहीं। इस बीच एक रन और आता हुआ, लंबा हिट ग्लोरी शॉट लगाने की कोशिश थी लेकिन गेंद बल्ले पर टकराकर पैर में टकराई, चोट लगी है बूट्स में, तकलीफ में है बल्लेबाज। अंपायर की तरफ कैमरा थोड़ा सा घूमा कि कहीं इशारा न करें कि फिजियो आ जाओ। लगातार फिजियो को बुलाया है आज मुकाबले में अंपायर ने। और इस बीच 106 पर 5 एक चौके की जरूरत, 14 गेंदें आनी, पूरी श्रृंखला को डोमिनेट किया भारतीय टीम ने और फाइनल इस आसानी से हारती हुई। ओवर की पांचवी गेंद और इस बार लेकर घूमी गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और क्या वहां पर कैच छूट गया, पूजा वस्त्राकर ने कैच छोड़ दिया। एक मौका था 107 पर 5, पूजा ने कोशिश तो अच्छी की थी, डीप स्क्वायर लेग पर खड़ी थी लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई जब गेंद को वो कलेक्ट करने लगी। ओवर की अंतिम गेंद चली गेंदबाज और इस बार गेंद को हवा में खेला, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और दक्षिण अफ्रीका चैंपियन। हवाई शॉट खेला ट्रायन ने, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया और ट्रायंगुलर सीरीज त्रिकोणीय श्रृंखला में
फाइनल मुकाबला जीतकर चैंपियन बनती हुई दक्षिण अफ्रीकी टीम जीत के साथ एक सवाल छोड़ गई भारतीय महिला टीम नॉकआउट मुकाबलों में अक्सर बेशतर कमजोर क्यों पड़ जाती है, यह मंथन की बात है। श्रृंखला पूरी तरह से डोमिनेट किया भारत ने और फाइनल मुकाबला 5 विकेटों से बड़ी आसानी से हार मान ली भारतीय गेंदबाजी ने, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी ने। जिस तरह से शुरुआत की थी आज, जो दबाव दिखा फाइनल का, जिस तरह की शुरुआत हुई, एक नहीं कई सवाल खड़े करती है आज की परफॉर्मेंस। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इकबाल स्पोर्ट्स ये हमारा नहीं, आपका चैनल है दोस्तों। यहाँ से कॉमेंट्री आपके लिए होती है, आपके सुझाव आपके कॉमेंट्स लगातार हम शामिल करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चैनल बन जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्रिकेट आनी है, जैसी भी जितनी भी क्रिकेट आनी है, लगातार सूचना आप तक पहुंचती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि कब मैचेस होंगे, कब कमेंट्री शुरू होगी और कब आपको इस चैनल पर कमेंट्री सुनने को मिलेगी। ट्रायन क्या उम्दा पारी, 32 गेंदों में 57 रन बनाए, नाबाद रही और वो विकेट आखिरकार भारतीय टीम के लिए गले की फांस बनते हुए भारत को हराने में सफल होती हुई दक्षिण अफ्रीका की वो विकेट। अच्छी शुरुआत जरूर की थी गेंदबाजी से, भारत ने फंसा लिया था, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन मीडियम पेसर्स जब भी आए गेंदबाजी के लिए तो उनके खिलाफ जो रन बने, जो 2-2 चौके 2 ओवर्स में पड़े, वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी का और फिर उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा और भारतीय टीम को मात दे दी इस फाइनल मुकाबले में। 7, 15, 21, 47, 65 पर 5 विकेटें हो चुकी थी दक्षिण अफ्रीका की, उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरी और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज इस मुकाबले को 5 विकेटों से जीतते हुए ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई। भारत के लिए निराशा, लेकिन भारत के सामने प्रश्न भी खड़े हुए, भारत के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी रहीं इस श्रृंखला में, बहुत सारे सवाल तो हैं ही हैं, लेकिन भारतीय टीम को उतना निराश नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर एक लर्निंग कर्व के रूप में देखना चाहिए और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि नॉकआउट मुकाबलों में भारत बेहतर कर सके। बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ी निराशाजनक बात जरूर है कि भारत इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में, इस त्रिकोणीय श्रृंखला में लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन अब जब फाइनल की बात आई तो फिर भारत फाइनल मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से हार गया। तो ये जरूर एज ए इंडियन फैन, एज एन इंडियन, हमें निराश करता है, लेकिन ठीक है, खेल का हिस्सा है हार और जीत, और ऐसे में आज भारतीय टीम के नसीब में हार आई है तो कल जीत जरूर आएगी। कल भारत की टीम, कल मतलब आने वाले समय में भारतीय टीम में जो नॉकआउट मैचेस में हार जाती है उसको जीतने का गुर भी जरूर सीखेगी। याद करिए 1999-2000 का दौर या अर्ली 2000 का भी दौर, जब भारत की टीम जाकर के कोई भी मुकाबला हो, त्रिकोणीय श्रृंखला उस समय में बहुत हुआ करती थी और ऐसे में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में जाकर भारत हार जाता था, चाहे वो अजहर की कप्तानी में हो, चाहे वो तेंदुलकर की कप्तानी में हो, और सौरव गांगुली की कप्तानी में तो बहुत हुआ है ऐसा, द्रविड की कप्तानी में भी हमने ऐसा देखा है कि फाइनल मुकाबला, चाहे ट्राइंगुलर सीरीज हो या फिर बायलेटरल सीरीज हो या फिर कोई बड़ी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट क्वाड्रेंगुलर सीरीज हो, हर जगह जो है भारत फाइनल में जाकर हार जाया करता था। और वही चीज़ इस वक्त भारतीय महिला टीम के साथ नजर आ रही है, बट वक्त के साथ ये चीज़ें भी जरूर सुधरेंगी और ये भी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। तो फिलहाल सूचना यही है कि भारत ने अपना जो मुकाबला है, फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका विमेंस के खिलाफ ट्राई सीरीज का, त्रिकोणीय श्रृंखला का, उसको गंवा दिया है और दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया है। बहुत अच्छा कमेंट है राजकुमार का, बहुत छोटा कमेंट है, कोई बात नहीं, है तो गेम। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल, और ये स्पिरिट भी होना चाहिए, यही स्पिरिट होना चाहिए कि गेम है उसको गेम की तरह लेते हैं। भारतीय होने के नाते हम थोड़ा इमोशनल जरूर होते हैं, हारने का गम होता है, लेकिन फिर भी गेम तो गेम है। रजा स्टडी ब्लॉक कहते हैं सिर्फ भारतीय हॉकी महिला टीम है जिसका प्रदर्शन सुधर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को हराने में सिर्फ भारतीय महिला हॉकी टीम ही सबसे आगे है। बिल्कुल, तो खैर इम्प्रूवमेंट हर तरफ आएगी। अभी विमेंस टीम को देखिए, अंडर 19 विमेंस टीम अभी वर्ल्ड कप जीत करके आई है, फाइनल जीत करके आई है, तो हर तरफ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और इम्प्रूवमेंट हो भी रही है।
और कंपटीशन भी जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अभी विमेन्स आईपीएल आ रहा है तो ऑब्वियसली और कुछ खिलाड़ी हमें बेहतर प्लेयर्स मिलेंगे, जिस प्रकार से आईपीएल ने हमें कई और बेहतर प्लेयर्स दिए, दुनिया भर को, इनफैक्ट नॉट इंडियन ओनली, दुनिया भर को भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिए जिन्होंने अपने अपने देश के लिए खूब धूम मचाया है आसिफ। बिल्कुल, और मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, इन खिलाड़ियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हैं तो हम भारतीय महिला टीम हम ही से है, और जब ये कंपटीशन बढ़ेगा, और मुझे लगता है WPL आने के बाद भारत को अच्छे फास्ट बॉलर्स भी मिलेंगे और बढ़िया स्पिनर्स मिलेंगे और बढ़िया फील्डर मिलेंगे और बेहतरीन बल्लेबाज मिलेंगे, ना कि सिर्फ भारतीय टीम स्मृति मंधाना के ओपनिंग पर डिपेंड हो जाएगी। क्रिकेट फैन कहते हैं आज जमाने में रेडियो पे, एक जमाने के बाद रेडियो पे कमेंट्री का अलग मजा था भाई, मजा था सुनने में, क्या कहने भाई साहब, बिल्कुल रेडियो का मजा था। और हम सीरियसली हम बता रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम उस जोन में रहें, रेडियो वाले जोन में। और हमारे साथ शिवम है, पहली बार रेडियो जैसी कमेंट्री सुन रहा हूं, जय श्री कृष्ण सर। जय कृष्ण, राधे राधे जी, क्या कहने, आपको मजा आया तो हमारी मेहनत सफल हो रही है अगर ये कमेंट आता है कि आपको रेडियो जैसी कमेंट्री सुनने को मिल रही है, और हम पूरी ताकत लगाते रहते हैं। आपने पहली बार सुना, पीछे जाके मैचेस भी सुन सकते हैं, आने वाले मैचेस भी सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाएंगे हमसे। बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल ताज़ा समाचार इस वक्त बफेलो पार्क ईस्ट लंदन से यही कि भारत ने फाइनल मुकाबला 5 विकेट से गंवा दिया है। दक्षिण अफ्रीका इस त्रिकोणीय श्रृंखला की विजेता टीम रही। हमारे भी अब विदा लेने का समय आ चुका है दोस्तों, लेकिन याद दिला दें आपको, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी से खेला जाएगा नागपुर में। 9:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा और हम 9 बजे से 9:15 बजे के बीच में आपके साथ जुड़ जाएंगे। 9 फरवरी याद रखिएगा दिन, 9 फरवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और पहले दिन के पहले सेशन की कमेंट्री के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे 9 फरवरी को सुबह 9:15 पर। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, इकबाल स्पोर्ट्स इस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि 9 तारीख को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम लाइव जाएं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज भी है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। तो एक लंबी सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि 9 फरवरी से आप के साथ हम दोबारा जुड़ेंगे। हालांकि बीच में मैं और आसिम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो भी बनाएं आपके लिए और चैनल पर डालें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आ जाइएगा हमारा वीडियो देखने के लिए। कई दोस्तों का ये कमेंट आया है कि सर एक वीडियो कहीं नहीं बनाते हैं, वीडियो में आइए, मुंह दिखाइए अपना। तो हमने कहा ठीक है जी, चलिए एक वीडियो बनाते हैं। हालांकि कई वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर के इकबाल स्पोर्ट्स पर वीडियोज़ भी इस चैनल इस स्ट्रीम के बंद होने के बाद देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इजाज़त, आप सभी से मुलाकात होगी 9 फरवरी को लाइव मुकाबले के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो रहे हैं पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के आंखों देखा हाल के साथ। मुझे मोहम्मद इकबाल, मेरे साथी आसिम जयराजपुरी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।